Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने शोरूम में बहुत सारी फरारी कार्स लाकर खड़ी करी थी ताकि वो बिके और उससे हमें और भी बहुत सारा पैसा मिले और हम लोग अमीर बनते जाए. बट हाँ, उसके बाद हमें लॉस सैंटोस के सबसे रिच मैन ने मिलने के लिए बुलाया और उसने हमें बोला कि उसे कुछ भी करके आज के आज ही डायमंड कैसीनो का ओनर बनना है. अब ये बात आप लोग को अच्छे से मालूम है कि आगे डायमंड कैसीनो का ओनर कोई और नहीं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस है, जो कि उस कैसीनो को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता है. क्योंकि ये बात उसको अच्छे से मालूम है कि अगर इस कैसीनो का मालिक कोई और बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और उस पर बहुत पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो सीधी सी बात है बहुत पावर भी आ जाएगी. तो इसीलिए अपने दोस्त ने प्लान बनाया कि काम करते हैं, इसके पास कैसीनो खरीदने चलते हैं, बेचेगा तो ठीक है, अदरवाइज डगन बॉस को उड़ा देंगे. बट अपना प्लान वहाँ पर फेल हो गया क्योंकि वो दोनों दोस्त निकले और आपस में उनकी दोस्ती हो गई, कैसीनो सीनों का सीन ही ख़त्म हो गया. और फिर अब क्या ही बोले, मैं यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से छुप के रह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम हमने डगन बॉस का एक कार्गो प्लेन क्रैश करवा दिया था, जो कि इधर पीछे ही एक बहुत बड़ी लेक में आके गिरा था. सही है कि किसी के घर के या फिर किसी सिटी में जाके नहीं गिरा, वरना बहुत लोग मारे जाते हैं. बाकी यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं. और सबसे बड़ी बात, वो जो रिच मैन है ना, उसने अभी दोबारा से मुझे मिलने के लिए बुलाया है. वैसे कसम से उस पर पैसा इतना ज़्यादा है कि क्या ही करे, उसके लिए काम करना ही पड़ता है. उसने इतनी सारी कार्स जो हमें फ्री में दी थी. बाकी हाँ, मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले ना ऊपर चल के अपने जो बैग्स वगैरह थे वो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते पूरा एक हफ्ता हो चुका है. यहाँ पर रुकने के लिए मुझे लेस्टर नहीं बोला था क्योंकि उसने कहा था भी सिटी आओगे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हो सकता है डगन बॉस ने अपने बंदे हमारे पीछे लगा रखे हों, इसीलिए हम लोग छुप के रह रहे थे. बाकी एक बहुत तगड़ी गाड़ी भिजवाई है लेस्टर ने मेरे लिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ. भाई क्या ही अमेजिंग कार है, लेट्स गो. अभी अभी मैं चला के भी दिखाने वाला हूँ, फिलहाल अभी से आप लोग दूर से देख लो. पहले ना ऊपर चल के बैग लेकर आते हैं, थोड़े बहुत उसमें सामान और एक आध पिस्टल अपने पास है, वरना तो अपने पास कोई वेपन ही नहीं है अभी अपनी सेफ्टी के लिए. इसीलिए भाई अभी थोड़ा छुप के रहना पड़ रहा है यहाँ पर. बाकी बैग्स मेरे अंदर वाले रूम में है. बैग्स उठा के वापस से चलते हैं सीधा रिच मैन के पास और देखते हैं आखिरकार वो क्यों हमें अपने वहां बुलाना चाहता है. ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपना सारा का सारा सामान पैक करके अपने बैग में डाल दिया है. फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ये तो बाथरूम में वेट है. हाँ, तो मुझे यहाँ से बाहर चलना है. भाई काफी ज्यादा बढ़िया रूम था, हम लोग पूरे एक हफ्ते यहाँ रेंट पे रहे हैं और रेंट जो है वो लेस्टर ने ऑनलाइन पे कर दिया था. अपने पास इस टाइम पैसा भी नहीं है, वेपन्स भी नहीं है और अब गाड़ी भी हम लोग किसी के लेकर घूम रहे हैं. बट हाँ, लॉस सैंटोस में हमारे पास बहुत कुछ है. ओके, तो ये मैंने स्टार्ट कर दी कार. भाई कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से इसकी हेडलाइट स्टार्ट हो रही है, ये देखना. अभी यहां पर जो हेडलाइट है, जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करूंगा उसका जो शटर है वो नीचे जा रहा है. ओ भाई मजा आने वाला है इस गाड़ी को ड्राइव करके. अंदर चल के आराम से इस गाड़ी में बैठते हैं. ओके, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने गाड़ी बाहर से तो देख ली, अभी इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि आखिरकार अब ये जो गाड़ी है देखने में कैसी लग रही है. वैसे थोड़ी पुरानी सी थीम की है, मतलब ये कोई पुरानी गाड़ी नहीं है, इसका डिज़ाइन ही कुछ इस टाइप का है जैसे देखने में लगे कि कोई बहुत पुरानी गाड़ी है. वैसे यार जो भी कहो, पता नहीं इस कार में यार कैसी अजीब अजीब सी चीज़ें लगी हुई हैं. शायद से इसका नाइट्रो बूस्टर होगा या फिर कुछ अजीब सा इस गाड़ी का पावरफुल इंजन है. बाकी इस गाड़ी की अगर खास बात देखें तो वो ये है कि इस गाड़ी में सबसे पहली चीज़ हाइड्रोलिक्स हैं, वो भी चारों साइड के, और सबसे बेस्ट ये गाड़ी जंप मार सकती है. और ये कार लेस्टर ने हमें इसीलिए दी थी ताकि अगर हमें हमारे पीछे कल को पुलिस वगैरह पड़ जाए और हमें एस्केप करना हो तो ये गाड़ी काम आ जाए. फिलहाल ये कार जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो मैं छोटी मोटी जगहों को यूं ही तोड़ के निकल सकता हूँ, इस गाड़ी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. लेट्स गो, अभी जल्दी से इस गाड़ी को भगाता हूँ मैं फुल स्पीड में और सीधा रिच मैन के पास चलते हैं क्योंकि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपने पास, वो भी प्लीटो में. पता नहीं उसे कौन सी मीटिंग करनी है. अब डगन वो उसका दोस्त था तो मेरे हिसाब से वो जो कैसीनो है अब तक तो उसका हो गया होगा, मतलब सीधी सी बात है यार, वो बहुत अच्छे दोस्त निकले बाद में बचपन के. अब पता नहीं यार वो मुझे क्यों मिलने के लिए बुला रहा है, हो सकता है और भी पैसा वो देना चाह रहा हो हमें, क्योंकि आखिर हमारी वजह से वो डायमंड कैसीनो उसके पास गया और डायमंड कैसीनो का ओनर बनना उसका बहुत पुराना सपना था. फिलहाल मैं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूँ ना, मैं ये लॉस्ट गैंग के एरिया में जा रहा हूँ. अब यहाँ पर खाली पीली की लड़ाई होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी. उतरी भाई, यहाँ पर एक वाइट माउंटेन लायन जा रहा है. हाँ वैसे रास्ता सही है, बस थोड़ा कच्चा रास्ता है, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेट्स गो. और मानना पड़ेगा भाई इस गाड़ी को भी हर जगह पर एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है. नॉर्मल रोड पे तो देखो सही चल ही रही है, बाकी क्या होता है ना इन सब डर्टी रोड्स पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लाइड होती है,
लेकिन भाई इसकी ग्रिप यहाँ भी मस्त बनी हुई है। और पता नहीं इस गाड़ी के टायर्स की बात है या फिर जो भी है, फिलहाल भगाते हैं अभी इसको। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा डिग्निटी विलेज, क्योंकि अपने दोस्त ने, मींस उस रिच मैन ने मुझे वहीं पर मिलने के लिए बुलाया है। आज से थोड़े टाइम पहले भी मैं उस जगह पर गया हूँ। वेट, यही तो है वो जगह। लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं। जहाँ पर वो जाता है भाई, पूरी सिक्योरिटी लेकर चलता है। मेन गेट पे भी दो दो गाड़ियाँ और बॉडी गार्ड्स लगा रखे हैं। फिलहाल उसको इतने बड़े लॉस सैंटोस में एक यही कबाड़ गांव मिला था मिलने के लिए। पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पर है। सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ सामने खड़ी है। ओह वेट, वो नीचे हमारा वेट कर रहा है। वाओ, लेट्स गो। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर सही से पार्क करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं करनी। ये काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, देखने में गंदी है बट हाँ नहीं महंगी है। फिलहाल अभी जल्दी से मैं नीचे चलता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर लेकर आया है। इतनी सारी जी वैगन कहाँ कहाँ टिका के खड़ी करी है और चारों तरफ से इस एरिया को मतलब फुल सिक्योर कर दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि कोई भी आए तो भाई इसको ये नाला मिला गया मिलने के लिए। मेरे को नीचे जाना पड़ेगा भाई, क्या ही कबाड़ जगह पे आके खड़ा हुआ है। एक बार को सामने वाले वेयर हाउस में भी चले जाता वो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी हाँ, अभी मैं चल के इससे बात करता हूँ। अब ये डायमंड कैसीनो का ओनर बन गया है, तो शायद से कुछ ना कुछ हमें अब देने वाला है गिफ्ट में। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और यार इसने तो ना सच्ची में बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया मेरे को। मतलब कि अभी ना ये हमें कह रहा है कि तुम कुछ भी करके डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट कर दो, मतलब उसे पूरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। अब वो इसलिए क्योंकि डगन बॉस इसका दोस्त होने के बावजूद इसको वो डायमंड कैसीनो नहीं देना चाहता है, और इसका कहना ये है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। मतलब अभी बस हमें जाके वो डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करना है, और साथ ही डगन बॉस को जिंदा पकड़ के लाना है इसके पास। और उसने हमें साफ बोला है इस काम के, हम इससे जितने पैसे मांगेंगे ये हमें उतने पैसे देने वाला है। भाई मतलब इसके पास इतना पैसा होगा भी, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट सोच लिया है। फिलहाल अब इतनी बड़ी डील सामने से मिली है तो मैं इसे बिल्कुल कैंसिल नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें अपने दो फायदे हैं। डायमंड कैसीनो इसका हो जाता है, अमीर बनता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर डगन बॉस मारा जाता है तो उससे अपना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वैसे भी ये अपना दोस्त है, इससे हमेशा हमें फ़ायदा ही होगा। और डगन बॉस मरता है तो अपने सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये तो अपना यहीं पर रहने वाला है। हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते। ओ बे भाई, नया वाला ट्रक क्या ले आया, मेरे में ले आके ठोक दी, वैसे गलती मेरी थी। बाकी यहाँ छोड़ो, अभी फिलहाल ना जल्दी से, मैं घटिया चला रहा हूँ या ये लोग आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। हाँ तो मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि अभी फटाफट से चलते हैं लेस्टर के पास और उसको भी बताते हैं इस डील के बारे में। बाकी हाँ, अभी ना मेरी लेस्टर से बात हुई थी एक दो दिन पहले, और लेस्टर कह रहा था कि उसने ट्रेवर, फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को कहीं पर देखा है। मतलब ट्रेवर जिंदा है उसके कहने का मतलब ये है, और फ्रैंकलिन भी किसी गलत जगह पे पाया गया है। फिलहाल अभी वहीं पर चल के लेस्टर से बात करते हैं पूरा सीन क्या है। ओके गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेके पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस, और लेस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपने सीक्रेट बेस पे। और ये वाला जो सीक्रेट बेस है ना उसका, वो इतनी ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन पे है कि कभी कभार को तो मैं खुद रास्ता भूल जाता हूँ कि वो था कहाँ पे, और शायद से लेस्टर भी भूल जाता होगा। बाकी यहाँ वो जगह यही है, और अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एक काम करते हैं, अपनी कार को ना एकदम सही तरीके से पार्क कर देता हूँ, क्योंकि शायद अभी अंदर मैं थोड़ी देर बैठने वाला हूँ, बातचीत करके आराम से बाहर निकलेंगे। बाकी मेन रीज़न ये नहीं है, मेन रीज़न ये है कि भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, और मैं नहीं चाहता इसे बीच रास्ते में खड़ी कर दूँ और कोई भी ऐसा ऐरा गहरा इस पर डेंट मार के ना चले जाए। बाकी बैग मैंने अपना कार में रख दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लेस्टर यहाँ पर है या फिर नहीं। ओ भाई भाई भाई, ये सीक्रेट वेज में जाओ ना तो सच्ची में एक बहुत ही अजीब सी फील आती है, जैसे पता नहीं कैसी सी जगह पे जा रहे हो। सामने एक पोस्टर लगा हुआ, गेम ओवर। ओके, लग रहा है लेस्टर किसी बहुत तगड़ी प्लानिंग में। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर दो तीन लोग लेस्टर ने पता नहीं किसी काम के लिए बुलाए होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, मैं चल के इससे एक बारी बात करता हूँ सीन क्या है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और मैंने इसको पूरा का पूरा सीन बता दिया कि एक बंदा हमें बहुत सारा पैसा देने के लिए रेडी है, बस हमें कुछ नहीं करना, उसको डायमंड कैसीनो का ऑनर बनाना है, मीन्स डायमंड कैसीनो उसके नाम करना है। लेकिन लेस्टर कह रहा है ये सब तो हो जाएगा, बट उससे पहले जो वीडियो क्लिप उसने हमें दी है ना, वो कह रहा है कि पहले इसे देखो। इस वीडियो क्लिप में ट्रेवर जिंदा पाया गया है। अब आपको पता होगा लेस्टर ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैक करे हुए हैं, और उन्हीं किसी कैमरा की ये एक फुटेज है,
और मुझे अभी इसे प्ले करना होगा, देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है। ओके, तो अभी ना फिलहाल मैंने इस वीडियो क्लिप को प्ले कर दिया है, बाकी एक बार आप लोग अगर आराम से जूम करके देखोगे तो वो साफ साफ नजर आ रहा है कि सामने कोई और नहीं, ट्रेवर ही खड़ा हुआ है। और वेट, ये ट्रेवर के साथ में फ्रैंकलिन है और अंडरवाटर माफिया भी है। अंडरवाटर माफिया को तो भाई ये सब क्या चल रहा है। हेलो, वो हमारे घर से एस्केप कर गया और पक्का उसे एस्केप करवाने में फ्रैंकलिन का ही आता। और ये जो जगह है ये कोई और नहीं, ये डगन बॉस का घर है। भाई अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, अब सब कुछ लेस्टर से ही पता करना होगा आखिरकार सीन क्या है। ठीक है, तो अभी मेरी लेस्टर से पूरी बात हो चुकी है और मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। बाकी लेस्टर कह रहा है कुछ करो ना करो, बट सबसे पहले ट्रेवर को, फ्रैंकलिन को और अंडरवाटर माफिया को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों बहुत पावरफुल हैं और इस टाइम ये तीनों ही अंडरवाटर माफिया के लिए काम कर रहे हैं। और हो सकता है अंडरवाटर माफिया इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा हो और उन पैसों की लालच के चक्कर में कहीं ये लेस्टर मेरे को ही आके ना मार डालें, तो इसीलिए ये हमें मारे उससे पहले हमें इन्हें मारना तो नहीं होगा, बट हाँ इन्हें पकड़ के एक जगह बंद करना होगा। फ्रैंकलिन को लेस्टर एक जगह पे कॉल करके बुला रहा है और कह रहा है कि तुम वहाँ पर जाओ और पीछे से अटैक करके दोनों को पकड़ कर ले आओ। भाई वो दोनों आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब अंडरवाटर माफिया और फ्रैंकलिन, उन दोनों को पता नहीं मैं अकेले पीट पाऊंगा या फिर नहीं, बट हाँ जो भी है मुझे दोनों को बेहोश करना है और इस गाड़ी में भर के लाना है और एक जगह पे बंद कर देना है और वहाँ से उन्हें बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि वो डगन बॉस के ऑर्डर्स इस टाइम मानने। पता नहीं यार उसने कितना पैसा दे दिया कि फ्रैंकलिन ने अंडरवाटर माफिया को हमारे घर से छुड़वा लिया। और ट्रेवर का भी अता पता नहीं है वो कहाँ पर है, बट लेस्टर को पता है वो जिंदा है और लेस्टर उसे ढूंढने में लगा हुआ है। जैसे ही उसका पता चलता है ट्रेवर को भी पकड़ के लाएंगे और उसको भी पीटेंगे, और ट्रेवर को पकड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डगन बॉस के साथ है तो भाई डगन बॉस को मारना इम्पॉसिबल है इस टाइम पे। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे थोड़ी देर में फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया आने वाले हैं। बट उनके आने से पहले मुझे वहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि लेस्टर ने हमें बोला है कि जैसे ही वो आएंगे वैसे ही हमें अपनी गाड़ी ले जाके उनमें ठोकनी है। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे वो किसी सुपर कार में आए, ट्रक में आए या फिर किसी भी हैवी व्हीकल में आए, ये गाड़ी उसको आराम से टक्कर दे सकती है और एक खतरनाक एक्सीडेंट कर सकती है। लेकिन हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बाय चांस वो लोग उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आखिरकार ये एक्सीडेंट करा किसने। इसीलिए यहाँ पर ना मुझे कुछ बॉम्ब पहले से प्लान करने हैं, जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे वैसे ही मैं इस बॉम्ब को एक्टिवेट करूँगा और इस बॉम्ब से यहाँ पर बहुत तगड़ा स्मोक निकलने वाला है और उस स्मोक से इस पूरे के पूरे एरिया में धुआं धुआं हो जाएगा। और तुरंत मैं उन्हें ठोक के फटाफट से अपनी गाड़ी में भरूंगा और जहाँ पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया वहाँ पर ले जाके उनका काम तमाम कर दूंगा। फिलहाल चुपचाप से यहाँ पर मैं काफ़ी सारे बॉम्ब लगा देता हूँ। ये बंदा देख तो मुझे ही रहा है बट मुझे समझ नहीं आया कि इसने मुझे बॉम्ब लगाते हुए देखा या फिर नहीं। वैसे तो बावड़ी पूछे, उसको पता भी नहीं होगा बॉम्ब क्या होता है, इतना ज़्यादा शरीफ लग रहा है। लेकिन ऊपर इसके खैर छोड़ो यार, अभी मुझे कोई मतलब नहीं। फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए हैं, अभी मेरे हिसाब से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो लोग आएंगे वैसे यहाँ पर स्मोक हो जाएगा और मुझे अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि लेस्टर ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर वो लोग यहाँ पर आकर खड़े होते हैं इधर या फिर उधर, तो मेरे हिसाब से मेरे को अपनी गाड़ी ना सामने छुपा के खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये गाड़ी उन्हें दिखाऊंगा तो हो सकता है उन्हें डाउट हो जाए, क्योंकि ये गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है भाई इस गाड़ी के आगे कुछ तो खतरनाक मशीन सी लगी हुई है जिसमें से गन्स मतलब कि फायर हो सकता है, बट नहीं ये शायद से नाइट्रो बूस्टर ही है। फिलहाल अभी मैं इधर तो खड़ा हो गया हूँ, मैं काम करता हूँ सामने वाला जो माउंटेन है ना बॉम्ब अंदर रख लेते हैं पहले, इसके ऊपर खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो लोग किस साइड से आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर मैं चारों तरफ आराम से देखता हूँ कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ये है मेरे बिनाकुलर्स, उस साइड से तो मैं आया हूं तो मुझे लगता नहीं है उस साइड से आने वाले हैं। बाकी सामने वाला रोड भी पूरा खाली है, वेट करते हैं यहीं पर, क्योंकि उन्हें घुमा फिरा के आना तो यहीं पे है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर वेट करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और वेट, सामने से दो बाइक आ रही है और उस बाइक पे अंडरवाटर माफिया और पीछे ये फ्रैंकलिन है। भाई साहब ये भी इसको देखते देखते पूरा बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बाकी हाँ अपने टारगेट्स हमारे सामने आ चुके हैं और ये क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग बॉडी बिल्डर के साथ साथ लग रहा है स्टंटर भी बन गए हैं।
मेरे हिसाब से ये सही मौका है इनको पटकने का। ओके, तो मामला फुल सेट है, फटाफट से मैं काम करता हूँ, पीछे चल के अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। बट हाँ, उससे पहले ना गाइज मुझे जल्दी से जल्दी 01 डायल करना होगा, अदरवाइज वो जो बॉम्ब है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ये उन्हें एक्टिवेट करने का सीक्रेट कोड है, बस मुझे डायल करना है, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। लेट्स गो, फटाफट से चल के मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, एकदम मस्त वहाँ पे धुआं हो चुका है, और अभी मुझे जाकर इन दोनों को एकदम बढ़िया तरीके से ठोक देना। तुम्हारी ऐसी की तहसी भाई, अभी पटक दिया। ओ वेट, फ्रैंक, फ्रैंकलिन ने मुझे देख लिया था और मैंने उसके हाथ पे शूट कर दिया है। भाई बेटी, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, पर अभी अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे देख लिया होगा, बट नहीं, यहाँ पर स्मोक है बहुत ज्यादा। इनको उठा के अपनी गाड़ी में डालता हूँ फटाफट से सबसे पहले। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने अंडरवाटर माफिया को अपनी गाड़ी के बूट में डाल दिया है, और अभी फटाफट से मुझे इस ट्रंक के गेट को क्लोज करना होगा। बाकी जो फ्रैंकलिन है उसे मैंने अपने बगल वाली सीट पे बैठा लिया है। भाई साहब, कसम से मानना पड़ेगा लेस्टर को, वो हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पता कर लेता है। उसको मतलब मालूम पड़ गया था कि ये दोनों डगन बॉस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब अंडरवाटर माफिया का तो मुझे भी मालूम पड़ गया था, बट इस फ्रैंकलिन के बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसी ने अंडरवाटर माफिया को हमारे घर में घुस के एस्केप करवाया है और अभी डगन बॉस के लिए काम कर रहा है। बाकी यार जो भी हो, अभी हम मतलब मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है और लेस्टर ने मुझे जिस जगह पे मिलने के लिए बुलाया है, मैं फटाफट से वहां जाने वाला हूँ। फिलहाल अभी बातों ही बातों में मैं अपनी गाड़ी लेके उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे लेस्टर ने इन दोनों लोग को लाने के लिए बोला है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लेस्टर अब इनके साथ क्या करने वाला है, बट हाँ इतना जरूर पता है कि अब इनके साथ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। फिलहाल लेस्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। नाइस, अपनी गाड़ी में काम करता हूँ, बाहर ही खड़े करता हूँ। फ्रैंकलिन को बाहर निकालते हैं, अंदर लेके चलते हैं। वैसे यार मुझे ना फ्रैंकलिन पे थोड़ी सी दया आ रही है यार, मतलब इतनी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, बट आज मुझे इस पे शूट करना पड़ गया। चले बाहर निकला फटाफट से। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि इनके साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, और एक बार यहाँ पर आप लोग देखो, फ्रैंकलिन को लेस्टर ने उल्टा लटका दिया है, और साथ ही अंडरवाटर माफिया की तो बहुत ही गलत वाली कुटाई चल रही है वहाँ पीछे ले जाके। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है फिलहाल फ्रैंकलिन के लिए, डंडे मार मार के भाई साहब इसकी हालत क्या कर दी है। ये डगन बॉस के पास जाके बिल्कुल ऐसे बदमाश बन रहा है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। फिलहाल अभी मैं भी इसको बहुत बुरी तरह पीटने वाला हूँ, साथ ही मैं इसको भी मारने वाला हूँ, इसकी ऐसी की तैसी। भाई साहब, ये घर से निकला कैसे बाहर? अभी इनको छोड़ो, अभी लेस्टर ने मुझे बोला है कि मुझे भी फटाफट से ट्रेवर को भी पकड़ने के लिए जाना है, क्योंकि जब तक ट्रेवर उनके पास है तब तक डगन बॉस को मारना बहुत मुश्किल है। लेस्टर गेट बंद करके इन्हें पीट रहा भाई, ताकि बाहर ना जा पाए और ना ही बाहर का कोई बंदा अंदर आ पाए। फिलहाल अभी मैं तो बाहर आ चुका हूँ, और एक बार ही आप लोग ध्यान से सुनो भाई, अंदर से कैसी आवाजें आ रही है भाई चिल्लाने की। भाई बहुत बुरी तरह पिटाई चल रही है इनकी। यहाँ पर पुलिस आ गई है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस ने इन्हें देखा या फिर नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पुलिस को बता दिया है, पता नहीं यार, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे पुलिस को किसने बुलाया। ओ वेट भाई, ये तो इस तरफ चक्कर काट रहे हैं। मैं काम करता हूँ, पुलिस को अपने पीछे लगा लेता हूँ। आ जाओ भाई, इनको यहाँ से लेकर निकलना होगा, क्योंकि अगर वो लोग अंदर चले गए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उस तरफ में फायर तो करा है, और पुलिस वाले अपनी गाड़ी मेरे पीछे ला रहे हैं। आ जाओ, तुम मेरे को नहीं चेस कर पाओगे। फटाफट से भी मैं वेट, ठीक है अब आ जाओ। हाँ, तो फटाफट से अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधा लॉस सैंटोस के लिए। इनको लेस्टर से दूर ले जाना इंपॉर्टेंट है, और अभी मेरे को वेट भाई साहब अच्छे से चेस कर रहे हैं, रुक जाओ एक बार हाईवे जाने दो। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फटाफट से मुझे ट्रैवर को भी ढूंढने के लिए निकलना होगा। लेस्टर ने मुझे जो जो कहा है मैं सब कुछ वैसा वैसा करते जा रहा हूँ, और आज जो अपना प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें डायमंड कैसीनो को डिस्ट्रॉय करना है और डगन बॉस को भी मारना है। लेकिन नहीं, मारना हमारा काम है, पर जो अपना दोस्त है रिच मैन, उसने बोला है कि हमें उसे जिंदा पकड़ के लाना है, तो उसे जिंदा पकड़ के लाएंगे और सब लोग मिल के मारेंगे एकदम मस्त। गाइस, मुझे तो लग रहा है पुलिस ना पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। फिलहाल अभी तक तो मुझे कोई भी गाड़ी आगे से आती हुई नज़र नहीं आ रही, और शायद मैं थोड़ी देर में उन्हें पीछे छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, मैं भी सिटी में आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई तो बढ़िया सी जगह मिल जाएगी छुपने के लिए। वैसे मैप में डिटेक्ट हुआ है कि एक गाड़ी पीछे से आ रही है, अभी ना कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। मैं अपनी गाड़ियाँ इन गलियों में लेकर आ चुका हूँ, और पुलिस वाले शायद यहाँ मेरे पीछे नहीं आने वाले। जाना तो मुझे ट्रैवर के घर पर है, बट मैंने सोचा कि अभी यहाँ से निकल रहे हैं तो क्यों ना मैं फटाफट से अपनी गाड़ी भी रिपेयर करवा लूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, प्लस ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। गंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका जो आगे वाला टायर है ना,
जब पुलिस चेस कर रही थी तो ये ठुकी और आगे का टायर जो है बहुत बुरी तरह मुड़ गया है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैं तेज भगाऊंगा तो फिर ढंग से मुड़ेगी नहीं और एक्सीडेंट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फिलहाल मुझे इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं करवानी, बस रिपेयर करवानी थी, जितने भी डेंट वगैरह आए थे और छोटी मोटी चीज़ें जो थी पहले जैसी हो चुकी हैं। फिलहाल अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं निकलता हूँ सीधा ट्रावर के घर पर और चल के देखते हैं वो घर पर है या फिर कहीं फरार हो रखा है। खैर वो तो हमें वहीं पर जाकर मालूम पड़ने वाला है, बट हाँ कुछ भी हो जाए मुझे आज के आज ही ट्रावर को भी पकड़ना होगा, क्योंकि जब तक वो डगन बॉस के साथ है हम लोग ना ही डायमंड कैसीनो ब्लास्ट कर सकते हैं ना ही डगन बॉस को पकड़ सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा ट्रावर के विलेज सैंडी शोरस में पहुंच चुका हूँ और अभी ना मुझे लेस्टर का कॉल आया था और उसने हमें बोला है कि अपना जो प्लान है ना डगन बॉस को पकड़ने का और डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट करने का, वो प्लान कल बहुत ही इजीली सक्सेसफुल जा सकता है, क्योंकि कल है हेलोवीन और हेलोवीन के दिन डायमंड कैसीनो में होती है बहुत बड़ी पार्टी और बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन उस भीड़ में हम लोग इजीली अंदर जा सकते हैं और डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट करने के लिए हमें बहुत सारे बॉम्ब अंदर प्लांट करने होंगे, तो अपना काम बहुत ही इजीली सक्सेसफुल हो सकता है। फिलहाल अभी मुझे ट्रैवर को पकड़ना होगा, क्योंकि ट्रैवर डगन बॉस के पास रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके इसके घर पे तो आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मैं पहले ना घर पे चेक करूँगा। बाकी लेस्टर ने मुझे बोला है कि उसका जो फ्रेंड है ना रोन, वो हमें बताएगा कि ट्रैवर कहाँ पे है, उसको अच्छे से लेस्टर ने समझा दिया क्या क्या पूरा सीन है। अभी फटाफट से मैं चल के अंदर देखता हूँ ट्रैवर, क्या पता घर पे ही बैठा हो यार अपना मस्ती में। ओके फिलहाल अभी मैं अंदर तो आ चुका हूँ बट ट्रैवर यहाँ पर नहीं है। मैं लेस्टर को फोन करके बता देता हूँ कि यहाँ ट्रैवर तो नहीं है, पर साथ के साथ जिससे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उसका दोस्त रॉन, वो भी यहाँ पर नहीं। ओके ये आ गया, तो अभी हम लोग इससे बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रैवर कहाँ पे है। तो गाइस अभी ना मेरी ट्रैवर के फ्रेंड रॉन से बात हो चुकी है और मैं खाली पीली ट्रैवर को लेकर टेंशन में था कि यार आखिरकार इसको किसने मारा है, मुझे उसका बदला लेना है, बट यहाँ पर तो सीन ही कुछ हो रहा है। ये जो उसका दोस्त है रोन, फिलहाल ये हमारी हेल्प करने वाला है और इसने हमें बताया है कि ट्रैवर इस टाइम डगन बॉस के लिए काम कर रहा है और इसी वजह से उसने हमारे आगे मरने का नाटक करा। ये सब कुछ मतलब वो डगन बॉस के लिए वेपन डीलर का काम कर रहा है। जितने भी वेपन्स अब लॉस सैंटोस में आएंगे वो सारे के सारे डगन बॉस से ट्रैवर के पास आएंगे और ट्रैवर उन्हें ले जाके बेचेगा सब लोगों को, वो भी डबल ट्रिपल प्राइस में। मतलब इतने से काम के लिए उसने हमें धोखा दिया। फिलहाल अभी रोन हमारे साथ जा रहा है हमें ट्रैवर के पास लेके, जहाँ पर वो अपना वेपन डीलिंग का काम करता है। बट दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि वहाँ पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और वो जगह है अपनी सैंडी शोरस की एयरलाइन। तो फटाफट से भी हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और मारते हैं ट्रैवर को, जिंदा नहीं मारना बस पकड़ना है। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सैंडी शोरस की एयरफील्ड पे पहुंचने वाला हूँ और ये ट्रेन को भी अभी आना था क्या? बाकी हाँ अभी ना एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है अपने लिए। अब देखो जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना, ये समझ लो ट्रैवर का न्यू ऑफिस है जहाँ से वो डगन बॉस के वेपन्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पर एयरफील्ड है तो वहीं से वेपन्स आते हैं, अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, लॉस सैंटोस में बिकते हैं। मतलब यार ट्रैवर ने अमीर बनने के लिए हमें धोखा देके बहुत बड़ी गलती करी है। फिलहाल रॉन यहाँ पर पहुँच चुका है, मैं भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच गया हूँ और एक जो बढ़िया बात है ना जो मैं आपको बताने वाला था वो यही है कि कुछ वेपन्स जो ट्रैवर के पास थे ना उसमें से रॉन ने भी हमें कुछ वेपन्स दिए हैं, जिससे हम लोग इस ट्रैवर को तो नहीं मारेंगे बट यहाँ की जो सिक्योरिटी है एटलीस्ट उसको हैंडल कर पाएंगे। फिलहाल अभी जो अपना दोस्त है रॉन वो इस टावर के ऊपर खड़े होकर बिनाकुलर से इस पूरे के पूरे एरिया को स्काउट कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है कि यहाँ पर ट्रैवर है या फिर नहीं। बाकी यार इतनी दूर से कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला, इसको उस जगह के पास जाना ही होगा। मैं अपना ऊपर आकर बैठ के पोजीशन ले लेता हूँ, अपनी स्नाइपर बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम आ चुका है ट्रैवर को पकड़ने का। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा देर हो गई है और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और रॉन कह रहा है ये एकदम परफेक्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे ये लोग अपने वेपन्स वगैरह लोड करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बाकी हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस ट्रैवर को पकड़ना है। रॉन अभी इस जगह के क्लोज जा रहा है ताकि वो ट्रैवर की एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे पाए। फिलहाल ये वहाँ पर पहुँच चुका, वेट वेट मैं तेरे को देख पा रहा हूँ कहाँ पर है तो ओके ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ये अंदर जाने वाला है और हमें इसे थोड़ा बहुत कवर देना है, थोड़ी दिख रहा है तो चल अंदर। मेरी स्नाइपर में सप्रेसर लगा है तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट्स गो, इसको भी हमने आगे बढ़ने के लिए बोल दिया है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर वैसे अंधेरा बहुत ज़्यादा बट मुझे दूर दूर तक कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है,
कहाँ चला गया, ओए ये कहाँ गया, ओके ये रहा। भाई मैं हैरान हो गया था कहाँ गायब हो गया। ठीक है अभी फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। गार्ड अंडर द कंट्रोल टावर, ओके वेट। ओ भाई यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, मुझे एक ही शॉट में से डाउन करना है। 3 2 1 लेट्स गो। बहुत ही तगड़ा इसके हेडशॉट मैंने यहाँ पर बजा दिया है। तू अपना फटाफट से आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर मुझे हाँ आवाज, गाड़ी की आवाज आई आई आई, ओह पीछे से, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे यहाँ पर जो लाइट्स है ना इनको फोड़ना पड़ेगा ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है ना वो इस बॉडी को देख ना ले। तो मैंने भी सारी की सारी लाइट यहाँ पर फोड़ दी है। ऊपर एक लाइट और थी ये भी मैंने फोड़ दिया। ठीक है ओके, तो जैसे ही वैन रोक के इसमें से बाहर निकलेगा मुझे तब इसे मारना है, बस ये इस बंदे को देख ना ले। बहुत ज़्यादा ये पक्का यहाँ पर ट्रैवर से वेपन्स खरीदने आए हैं, लॉस्ट गैंग के बंदे हैं। भाई 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 भाई, भाई, भाई। बहुत सही बिजनेस में है ट्रैवर। ठीक है मैं ओके ठीक है, तो अभी जैसे ये बाहर निकलेगा मुझे इसको मारना है। जल्दी से बाहर आ जा भाई, यहाँ पर अगर अभी ठीक है ठीक है रुक जा, गेट बंद कर लेने दे, फोन पे बात कर रहा है, निकल तेरी ऐसी की तैसी। लेट्स गो, इसको भी मैंने मार दिया है। बाकी ओ ऊपर ये भी गया, बस 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 अभी और कोई तो नहीं है ना भाई यहाँ। तीन बंदे मैंने, यहाँ पर एक बंदा टॉर्च लेकर आ रहा है वो भी, ओ गड़बड़ हो गई, वेट वेट वेट, एक शॉट और। लेट्स गो भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अभी टावर पे एक बंदा और आया, उसने देख लिया कि वहां कोई मरा हुआ है, रुक जाओ ले तेरी। यहाँ पर जो बंदा मरा हुआ था इसने इसको देख लिया था, अभी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तू चल अपना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई वो तो सही है, एक ही बार में हम लोग मैक्सिमम हेडशॉट इन्हें मार पा रहे हैं थोड़ा सा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि लॉस्ट यहाँ पर एक बंदा और है। मैं कैसे मारूँ क्या, इसने शायद से रोन को देख नहीं नहीं दिखा। ओके मुझे ठीक है, मैं इसे मार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो डाउन, एक और है, ओ ये भी गया। भाई एक एक सेकंड में हम लोग इनको टपका रहे हैं। बाकी यहाँ पर आगे भी कुछ है, वैसे यार मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, लेकिन रॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ओके किधर टैंक, ओ भाई ये टैंक में करना जल्दी से कुछ, उसने उसमें बॉम्ब लगाया। ठीक है ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, इसने भाई मैंने उसे मार दिया सही टाइम पे। हेलीकॉप्टर, ओ हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहे है, रुक जा ये भी गया। हेलीकॉप्टर वाले के हेडशॉट बजा। भाई ये क्या बिजनेस चल रहा है वेपन्स के लिए। फिलहाल अभी मेरे को चल के मुझे इस गाड़ी में बैठना होगा। वो जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ नीचे गिर चुका है जहाँ पे रोन था, उस जगह में बहुत बुरी तरह आग लग चुकी है। अगर मैं जल्दी से जल्दी नहीं पहचाना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वेट रोन कहाँ पर था, मुझे रोन को बचाना ही हुआ कुछ भी करके। रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आ गया हूँ, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो, अपने वेपन्स मैंने बाहर निकाल लिया। ओ तेरी भाई साहब, टावर के ऊपर एक बंदा चढ़ के बैठा हुआ था, सही टाइम पर मैंने इसके एकदम मस्त वाला शॉट बजा दिया है। बाकी अभी पीछे ओ ओ, ओ वेट, पीछे भी मुझे एक बंदा, ओ भाई यहाँ बहुत ज्यादा बंदे हैं, मुझे ना पहले कवर लेना होगा वरना ये बैंड बजा देंगे। यार राइट से भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं, मुझे इन्हें मारना नहीं है, पहले अपने आप को कवर में ले जाना होगा वरना भाई ये लोग बाहर भी नहीं निकलने देंगे। लेट्स गो, यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, ये भी गया ये भी गया। लॉस्ट गैंग के 3 से 4 बंदों को तो मैंने यूं ही टपका दिया है। बाकी आगे एक बाइक खड़ी है, बट उस बाइक को लेके मैं भागूंगा थोड़ी, यहाँ पर अभी मुझे इनसे लड़ना ही पड़ेगा। वेट 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 वेट, ओके तो रोन इस वाले प्लेन में आकर बैठ चुका है और वो मुझे प्लेन में बैठने के लिए बुला रहा है। नहीं अगर मैं प्लेन में जाऊंगा तो ये लोग भाई शॉट मार के अपना प्लेन भी ब्लास्ट कर सकते हैं। ओके तो भी ना फटाफट से मुझे चल के इस प्लेन पे बैठना चाहिए। रोन काफी देर से यहाँ पर मेरा वेट कर रहा है और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अभी हमारे पास ना यहाँ से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इधर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोग हैं। मतलब इधर लॉस्ट गैंग भी है, डगन बॉस की सिक्योरिटी भी है और हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर ट्रैवर आ जाए। और ट्रैवर तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो आ गया ना तो पक्का भाई बजूका वगैरह मार देगा और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर सामने भी 2-3 लोग हैं, उनको मैंने टपका दिया है, रास्ता पूरा क्लियर है, फटाफट से भाई भगा ले इसको। बाकी भी मुझे ये वाला एक बॉम्ब ब्लास्ट करना है भाई साहब, ये बहुत गलत है इनके लिए। अबे रोन जल्दी भगा, प्लेन क्या कर रहा है भाई, हेलो ये तो सामने से आए जा रहे हैं भाई एक के बाद एक फैन लेके, मुझे नहीं पता अभी मुझे क्या करना चाहिए। वेट अगर अगर ये प्लेन उड़ाएगा तो भी मैं गिर सकता हूँ, पर अगर एक भी बुलेट लग गई तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओह
पीछे से बाइक लेकर आ रहा है। लेट्स गो, यहाँ पर मैंने इसको भी मैंने मार दिया है। जल्दी भगा यार, क्या कर रहा है रोन? हेलो, अभी तो फिलहाल थोड़ा सेफ है हम लोग। मुझे अभी प्लेन में जाना होगा क्या? ओके लेट्स गो फटाफट। अभी भाई अभी हमने वहां से जंप मार दिए, अभी मेरे को भाग के उसमें जाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पीछे से और लोग आ रहे हैं। ये कहां के बैठ गया? अभी एक सेकेंड, इसकी हैसी की तैसी, अभी इसकी मैं बैंड बजाता हूँ। लेट्स गो फटाफट से ना प्लेन को मुझे लेकर ऊपर चलना होगा क्योंकि भाई वेट वापस नीचे नहीं। अभी रोन ने तो अपना प्लेन उड़ा लिया, मुझे भी फटाफट से इसके पीछे जाना होगा। बाकी ये जो बंदा है इसको देख रहे हो कहाँ बैठा हुआ है? अभी रुक दे, इसको घर लेके चलेंगे अपने भाई। ओके अभी उसको हमने गिरा दिया है वहाँ पर। बाकी यहाँ पर अभी फटाफट से हम लोग रोन के पीछे पीछे चलते हैं उस वाली एयरफील्ड पे वापस लैंड जो करना है हमें। अभी ना फिलहाल हम लोगों ने इन लोगों से पीछा तो छुड़ा लिया है बट ये कोई आसान काम नहीं था। बाकी मैं इस प्लेन को इस तरीके से क्यों उड़ा रहा हूँ भाई, बहुत गलत वाला एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा आराम से लेकर चलते हैं किसी सेफ लोकेशन पे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लेस्टर को फ़ोन करके क्या बोलूँगा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गाइस अभी ना अपने लिए ये काम थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका है, मींस डगन बॉस को पकड़ना, डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट करना अब उतना ईजी नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग ट्रैवर को नहीं ढूंढ पाए हैं। और अगर कुछ भी होता है डगन बॉस को तो पक्का ट्रैवर उसकी हेल्प करने वाला है जो कि अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिलहाल मैं इस वाली एयरफील्ड पर आ चुका हूँ, अपने प्लेन को फटाफट से यहीं पर लैंड करवाते हैं। अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वापस से जाना होगा लेस्टर के पास, उसे सब कुछ बताते हैं और देखते हैं आगे का क्या प्लान है, हमें क्या करना होगा डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट करने के लिए। बस यार सब हो जाए लेकिन ट्रैवर ना आए लड़ने, क्योंकि हर एक को हैंडल कर लेंगे बट ट्रैवर अगर आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अभी इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ये जो काम है हमें अकेले ही करना है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि डायमंड कैसीनो में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, उसी भीड़ का फायदा उठाकर हमें चुपचाप से अंदर एंटर होना है। बाकी पूरा प्लान हमें लेस्टर बताने वाला है, तो फटाफट से इस गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए बिना किसी देरी के। लेट्स गो। ओके तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हमें ना कुछ भी करके आज ही सारा का सारा काम करना होगा क्योंकि आज है हेलोवीन और आज ही है डायमंड कैसीनो में वो पार्टी जिस पार्टी का हमें इंतज़ार है। फिलहाल उसने मुझे लॉस सैंटोस आने के लिए मना करा है, उसने एक लोकेशन दी है जहाँ पर उसका कोई दोस्त रहता है और उससे हमें एक बहुत तगड़ी बाइक मिलने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइक की क्या ज़रूरत है, तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग ना डायमंड कैसीनो में एक टाइप से परफॉर्मर बनकर एंटर करने वाले हैं, मतलब हमें ऐसे स्टंट्स वगैरह मारने होंगे बाइक से और हमारी गाड़ी जो है एक टाइप से वीआईपी एंट्री हमें मिलने वाली है डायमंड कैसीनो में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ टाइम पहले भी लेस्टर ने इसी टाइप का प्लान बनाया था और वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल गया था। फिलहाल वो जो बाइक है वो लेने के लिए लेस्टर ने मुझे इसी जगह पे भेजा है, उसका कोई दोस्त यहाँ पे रहता है जिसका गैराज है। हम लोग पहले यहाँ पर आए हैं या फिर नहीं मुझे याद नहीं, बाकी यहाँ यही वो जगह है। मैं एक बार पता करता हूँ लेस्टर से कि आखिरकार ये मुर्गी को देखो भाई, इतनी ज़्यादा बड़ी जगह है, इसको मेरी गाड़ी के नीचे घुसने साइड से निकल ले हो। हाँ नहीं तो हाँ ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अभी जल्दी से मैं चलता हूँ। यही है वो गैराज, लेट्स गो देखते हैं अंदर कोई है या फिर नहीं। वैसे यार अंदर जाने से पहले ना मैं एक बारी पता कर लेता हूँ कि आखिर इस गैराज का ओनर कौन है। पता चला ये पीछे बैठा हुआ और बाद में चोर चोर बोलने लग जाए। हेलो ब्रो, आप ओनर हो क्या इस गैराज के? एक सेकेंड पैंस की रिप्लाई तो देखो ही, मैं चुपचाप बैठ के बातें कर रहा हूँ और ये कुछ बोल नहीं रहा और बहुत तेज मार दी मैंने गलती से उसके सॉरी। खैर छोड़ो, भी मैं अंदर ही चल के देखता हूँ आखिरकार क्या सीन है यहाँ पर, क्योंकि आसपास में कोई भी नजर नहीं आ रहा। ओ भाई वेट, एक सेकेंड, ओ भाई साहब वेट, ये बाइक है या फिर कोई रॉकेट है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। वैसे इस गाड़ी में मैं हल्की सी रेस दे रहा हूँ ना, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ ले रही है। और एक बार ये आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका जो टायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, आगे का टायर छोटा है पीछे का बड़ा है और एक टायर राइट लेफ्ट नहीं हो रहे, ये एक्चुअली टिल्ट हो रहे हैं। पता नहीं इससे बाइक रोड, ओ वाओ बाइक भी टर्न खा रही है। फिलहाल अभी मुझे ना इस बाइक को जल्दी से लेकर पहुंचना होगा लेस्टर के पास। वैसे लेस्टर के पास क्यों जाना है, मुझे अभी सीधा उन लोगों के पास जाना होगा जो कि डायमंड कैसीनो में परफॉर्मेंस करने के लिए जाने वाले हैं स्टंट्स की, ताकि उनके साथ मैं भी मिल जाऊं और मैं भी स्टंट्स करने के बहाने डायमंड कैसीनो में घुस जाऊं। मेरे से बाइक कसम से नहीं चलाई जा रही है, पता नहीं मैं इससे स्टंट्स कैसे करने वाला हूं। हल्की सी एक बार भाई वेट, ये देखो ये ब्रेक है और जैसे ही मैं इसमें रेस दे रहा हूं ये बाइक सिर्फ और सिर्फ एक
तीन सेकंड के अंदर 200 किलोमीटर पर आवर टच कर जा रही है और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। गाइस इस बाइक की मैक्स स्पीड कितनी है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस इसे मैं भगाता जा रहा हूँ और भगाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बट हाँ मुझे एक बात का आइडिया पूरा है कि अगर अभी मैं कहीं ठुका ना तो बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट होगा, तो उससे पहले मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ। एक बार ही हल्का सा स्टंट मार के देखते हैं क्योंकि अभी जहाँ जाना है वो लोग भी स्टंट्स करवाने वाले हैं। 3, 2, 1 ले, ओ वेट भाई भाई ऐसे नहीं रुक जाओ, थोड़ा रास्ता खाली होने दो। हाँ 3, 2, 1 वेट। ओ भाई इसमें व्हीली मारना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, उल्टा ये बाइक दो बार पलट जाएगी पीछे को, इसलिए मैं नहीं उछाल रहा इसे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके पहुंच चुका हूँ सीधा मेज बैंक अरेना पे, और इसी जगह पे मुझे स्टंट्स करके दिखाने हैं ताकि वो लोग मुझे अपने साथ डायमंड कैसीनो में परफॉर्म करने के लिए ले जाएं। फिलहाल अभी जल्दी से ना मैं अंदर चलता हूँ, ये जगह यार बहुत ज्यादा बड़ी है और मुझे इसके बेसमेंट में जाना है फटाफट से। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लग रहा है ये सारे के सारे लोग यहाँ पर वो ऑडिशंस चल रहे हैं क्या, जो इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। वैसे हाँ वहाँ पर मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ यार, मुझे तो अपनी बाइक के स्टंट्स करने ना, तो मुझे अपनी बाइक लेके ही जाना होगा, मैं पैदल जा रहा हूँ। वो लोग बाइक देख के अपना सिलेक्शन कर लेंगे मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिलहाल अपनी बाइक मैंने यहाँ पर खड़ी करी थी, लेट्स गो, जल्दी से मैं बाइक में बैठता हूँ और गाड़ी के साथ अरीना में एंटर होने का जो रास्ता है वो शायद से आगे वाले कट से है, बस वो कट मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना है क्योंकि 7 बजे जैसे अंधेरा होगा ना, समझ लो डायमंड कैसीनो की जो हैलोवीन पार्टी है वो स्टार्ट हो जाएगी, पूरे का पूरा शहर बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, सारे के सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम में आ जाएंगे और क्या। ओके तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूँ स्टेडियम में, जहाँ पे उस परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्शन हो रहे हैं। ओ वाओ लेफ्ट साइड में लग रहा है यहाँ पर लाइन लगी हुई है, बहुत सारी और भी बाइक्स आई हुई हैं बट अपना सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि ये जो बाइक है ये लेस्टर ने हमें लेकर भेजी और शायद से इन लोग को भी ये बाइक पसंद आने वाली है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं यहाँ पर और अपना नाम यहाँ पर लिस्ट करवाते हैं, लेट्स गो। तो मेरी अभी इनसे बात हो चुकी है और ये कह रहे हैं नाम ऐसे फ्री फंड में लिस्ट नहीं होने वाला, मीन्स पैसे भी नहीं लगेंगे बट हमें ना इनको कुछ स्टंट्स मार के दिखाने होंगे इस जगह पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी ये जो बाइक है इसको जल्दी से स्टेडियम में लेकर चलते हैं, शायद से मेरे को इस वाले रास्ते से जाना होगा ताकि ये लोग मेरी अच्छे से बाइक भी देख लें। सबसे पहले अपनी बाइक को ना एक सही जगह पे लेकर चलता हूँ, पता चला ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में यहाँ पे अपना एक्सीडेंट ही हो जाए, फिर तो किसी काम के ही नहीं रहेंगे हम लोग। ओ वेट भाई साहब ये स्टंट मुझे सच्ची में थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा था, मुझे लग रहा था यहाँ पर आके बाइक फिसल जाएगी, लेकिन ये इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि इस बाइक की जो टायर्स की ग्रिप है प्लस इस बाइक की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। एक भी स्टंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, मतलब एक नॉर्मल रास्ते की तरह मैं यहाँ पर बाइक चला रहा हूँ, बाकी ये कुछ अजीब है। ओह वेट भाई साहब ये बहुत डेंजरस स्टंट्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी हम लोग अपनी बाइक ऊपर ले जा सकते हैं। ओ लेट्स गो, ये मैं कहाँ ले आया अपनी बाइक्स, ठीक है मेरे हिसाब से इतना बहुत होगा इन लोग के लिए, इतने तगड़े स्टंट्स यहाँ पर ना आज से पहले शायद ही किसी ने मारे होंगे क्योंकि इन स्टंट्स को करने के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस या फिर एक अच्छी बाइक जो कि मेरे पास है। और फिलहाल क्या ही तगड़ी जंप मार के मैं नीचे आ चुका हूँ, वापस चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर हमारा यहाँ सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इनसे बात हो चुकी है और इन्होंने हमारा नाम जो है लिस्ट कर लिया है, बट इन्होंने बोला है कि आज रात होने से पहले ना हमें एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम का जुगाड़ करना होगा, तभी हम लोग इनके साथ मीन्स इनके ग्रुप के साथ जा पाएंगे। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं मेज बैंक अरीना वॉर स्टेडियम से बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ फटाफट से एक बढ़िया सी शॉप पे जहाँ से मुझे अपना मन चाहा हेलोवीन कॉस्ट्यूम मिल जाए, क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि अगर हमें उनके ग्रुप के साथ जाना है तो हमें एक कॉस्ट्यूम चाहिए होगा हेलोवीन वाला, क्योंकि भाई आज हेलोवीन है, सारे लोग अपना भेष बदल के इधर उधर घूमने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, बट हम लोग तो कुछ और ही करने वाले हैं, डगन बोस को पकड़ना है और डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करना है। आज ना मुझे पता नहीं क्यों ये शहर थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हैलोवीन के टाइम पर सब लोग यहाँ पर अपना एकदम मस्त घूमने आते हो। वेट भाई साहब ये क्या, अभी तक हम लोग ट्रैवर के गांव में और हाईवे वगैरह पे घूम रहे थे बट अभी मेन सिटी में आके पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ लॉस सैंटोस में। अब खैर इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई लोग तो घूमने आएंगे ही ना,
मतलब चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, वो भी दोपहर के टाइम पे। वाओ, लेट्स गो। अभी फटाफट से मैं भी अपनी गाड़ी इधर उधर घुमा के देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर होने का। भाई बिल्कुल देखने में लग ही नहीं रहा कि ये लॉस सैंटोस है। यहाँ पर इतनी ज्यादा डेकोरेशन हो रखी है, हर एक जगह को ढक दिया है या फिर इतनी लाइट्स लगा दिया है, और भाई कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। फिलहाल वेट 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 वेट, ये डेकोरेशन को देखने के चक्कर में मैं कहाँ जाता जा रहा हूँ। मुझे अभी अपने लिए मस्त कपड़े मीन्स कॉस्ट्यूम खरीदना है। बाकी वो जो कॉस्ट्यूम है उसके लिए मैं इस वाली मार्केट में चलता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है, पर इस मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। भाई यार मतलब पैदल चलने की भी जगह ढंग से नहीं है। खैर मैं वैसे बाइक चला रहा हूँ, पैदल नहीं जा रहा हूँ। हेलो, सॉरी, मेरी गलती नहीं है इसमें, ये जगह बहुत ज़्यादा पतली है और मेरे को यहीं से बाइक निकालनी है। खैर वो जो कपड़े वाली शॉप थी ना वो पीछे ही है। फटाफट से गाइस अभी अपनी बाइक लेके मैं चलता हूँ यहाँ पे। हाँ तो इस शॉप पे आना था मुझे। खैर यहाँ पर अभी काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी भी मची। ओ वेट, गन अंदर रख लेता हूँ, लेट्स गो। अभी अंदर चल के अपने लिए बढ़िया से कॉस्ट्यूम खरीद लेते हैं जो कि अपने पे बहुत ज़्यादा सूट भी करेंगे। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरे पे कौन से सही लगने वाले हैं, यहाँ से अपनी थोड़ी लुक देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने सोच लिया मुझे कैसे कपड़े लेने हैं, लेट्स गो। फटाफट चल के हम लोग अपने लिए मस्त कपड़े सिलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना मैंने अपने लिए एक मस्त आउटफिट चूज कर लिया है और शायद से आप लोग को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये है एक जॉकर आउटफिट। वैसे ना इस आउटफिट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी एक बहुत तगड़े क्रिमिनल लग रहे हैं। पता चला ये ड्रेस देखने के बाद हमें कसिनो में एंट्री नहीं मिल रही है। फिलहाल ये भाई साहब जी ने भी एक तगड़ी ड्रेस ली है, पर ये टोपी मत लगाई यार, इसके ऊपर टोपी ढूंढ रहा है। यहाँ पर ये जूते, फिलहाल अपना हो गया, मैंने पेमेंट कर दिया। अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा लेस्टर के पास और आज शाम होते ही मुझे कसिनो के लिए निकलना होगा। अबे यार इतना ज्यादा बढ़िया मौसम था, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई। इस टाइम पूरी सिटी में सब लोग अपने लिए बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम्स परचेस कर रहे हैं और उस भाई साहब जी को देखो, ओ तेरी ऐसी। ओह सही में मैं उसे बस डराना चाह रहा था और मैंने हल्की सी रेस दी, बाइक पूरी जंप मार गई और गिर गया वो भी कीचड़ में। ठीक है फिलहाल अभी जल्दी से लेस्टर के पास पहुंचते हैं। वैसे ओ सॉरी, मैं यही बोलने जा रहा था कि बाइक को कंट्रोल करना वैसे इतना मुश्किल होता है और इस टाइम तो पूरे के पूरे रास्ते पूरे गीले पड़े हैं तो टायर्स बहुत गंदे स्लाइड मार सकते हैं, इसलिए आराम से चलाते हैं बाइक को। पूरा का पूरा शहर इस टाइम अच्छी तरह से सजा दिया गया है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं लॉस सैंटोस में घूम रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे किसी और सिटी या फिर किसी और बड़ी मॉडर्न कंट्री में आ गए हैं। यो गाइस लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था ना भाई, फुल क्रिमिनल वाली लुक आ रही है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है इस टाइम पे माइकल। फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी बाइक लेके, जल्दी से अपनी बाइक को यहीं पर पार्क करते हैं। ठुकते ठुकते बचिए वरना भी हैंडल ही टूट जाता आगे वाला। भगवान बस ये बारिश रुकवा दो यार कसम से, वरना पूरे के पूरे हैलोवीन की बैंड बज जाएगी यार। इतना सब कुछ डेकोरेट हुआ है पूरे शहर में और सब कुछ कबाड़ हो जाएगा इस बारिश से। फिलहाल चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं आगे का प्लान अपना क्या है। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और अब मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने सारा का सारा सीन जो है सॉर्ट कर दिया है। मतलब कि मेरे को टेंशन हो रही थी कि आखिरकार डायमंड कैसीनो में मैं वेपन्स और ये बॉम्ब वगैरह कैसे लेकर घुसूंगा, और अगर नहीं ले जाऊंगा तो फिर डायमंड कैसीनो ब्लास्ट कैसे करूंगा। बाकी लेस्टर कह रहा है कि उन सब चीज की टेंशन मत लो, जब एक बार तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो ये एक ड्रोन के थ्रू हमारे पास वेपन्स पहुंचा देगा। मींस अभी अपना मेन काम है हमें कुछ भी करके ना डायमंड कैसीनो के अंदर जाना है। बाकी कुछ भी क्या करके, हमें पूरा तरीका पता है हम कैसे जाने वाले हैं। अपने पास बाइक है, हमें आईडी मिल चुकी है किस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं डायमंड कैसीनो में। तो जल्दी से अपनी बाइक उठाते हैं और निकल लेते हैं सीधा। इसके बेस में बैठे बैठे भी काफी ज्यादा देर हो गई है और अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर बारिश बंद हो चुकी है। फटाफट से भाई साहब, इतना भी खतरनाक साउंड नहीं है, वो देखो वो तो साउंड देख के ही डर गई बाइक का। बाकी बाइक सच्ची में रॉकेट ही लगती है, कोई बाइक तो लगती ही नहीं है मुझे देखने में। वाओ, एक बार आप लोग सामने देखो भाई, क्या मस्त एरिया सजा रखा है पूरा का पूरा, लग ही नहीं रहा है मैं लॉस सैंटोस में हूँ। वैसे गाइस ये बारिश ना हुई होती ना तो शायद अभी लॉस सैंटोस में और भी ज्यादा भीड़ होती, बट सैडली बारिश होने की वजह से लगता है आधे से ज्यादा बंदे घर में ही हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी यार ये जो एरिया है ना, यहाँ पर इतनी ज्यादा डेकोरेशन कर रही है कि देखने में लग ही नहीं रहा है कि यार ये लॉस सैंटोस है। फिलहाल अभी मैं पहुंचने वाला हूँ डायमंड कैसीनो और आप लोग को सामने सेलिब्रेशन नजर ही आ गया होगा। वो एकदम फायर क्रैकर्स हवा में तबाही मचा रखी है और यही है वो जगह
जहां पर हम लोग आज एंट्री मार के इस जगह को ब्लास्ट करने वाले हैं। यार ये अभी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि इसे देख के बिल्कुल भी ब्लास्ट करने का मन नहीं कर रहा, बट ये अपना मिशन है और मुझे बिल्कुल भी मिशन से नहीं हटना। लेट्स गो, फटाफट से अभी अपनी बाइक लेकर अंदर चलते हैं। और लेस्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, वो भी डगन बॉस की सिक्योरिटी के साथ साथ। भाई साहब इन लोगों ने तो एयर डिफेंस लगा रखे हैं तगड़े वाले, फूड डालेंगे यार ये तो इससे। वैसे ठीक है, यहाँ पर अभी मैं देख लूँगा, वो अपने पास कोई वेपन्स वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अपनी वीआईपी एंट्री होनी चाहिए। लेट्स गो, फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। हेलो भाई हट। गाइस अपने साथ एक बहुत गलत सीन हो गया है। ये बंदा कह रहा है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी स्टाफ और वीआईपी लोगों की एंट्री है। लगता है लेस्टर को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि अभी अपनी एंट्री डायमंड कैसीनो के अंदर हो ही नहीं सकती। इसने कहा है कि जितने भी शो हो रहे हैं ना इस बार कैसीनो के लिए, वो कैसीनो की बैक साइड में हो रहे हैं, और जितने भी लोग हैं कैसीनो वाले वो सारे विंडोज से और पेंट हाउस से उस शो को एंजॉय करने वाले हैं। लगता है लास्ट वाले सीन की वजह से ये लोग अलर्ट हो गए, और इस बार तो डगन बॉस की सिक्योरिटी है। मतलब कि हम लोग इतना कुछ करके भी कैसीनो में नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर एक गैराज था जो कि बंद है, यानी कि भी मुझे ये स्टंट वाला शो करना ही पड़ेगा बेमतलब में। रुक जाओ मैं अपनी बाइक पीछे से घुमा के लाता हूँ। यार कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ढूंढना ही होगा अंदर जाने का, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर पूरा का पूरा स्टंट जोन बना हुआ है भाई, लेट्स गो। ओके अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक लेके यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, और मेरे सामने आया एक बहुत बड़ा स्टंट रैंप जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कुदा देगा। फिलहाल आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं ये स्टंट में क्यों घुस रहा हूँ, तो सीन कुछ ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पर हमें स्टंट शो करने के लिए बुलाया। मैं खाली खड़े रहूँगा ना तो ये लोग मेरे पे शक करेंगे, और मजे में ही मैंने क्या कर दिया, प्लीज़ ट्रैम्पोलिन पे लैंड करियो वरना गलत ही एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक सेफ लैंडिंग हो चुकी है। तो हाँ मैं ये कह रहा था अगर खाली खड़े होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इससे बढ़िया मेरे को बाइक चलाते चलाते कुछ ना कुछ सोचते रहना है। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से जंप मार के सीधा डायमंड कैसीनो की छत पर चले जाऊँ, बट नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, मेरे को पूरा ठोक डालेगी। मेरी जेब में एक पिस्तल तक नहीं है, कोई आर्मर कुछ भी नहीं है, हमें ये जो काम है बिना किसी चीज़ के करना है फिलहाल। ये बहुत डेंजरस है, नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ओ भाई इसमें तो गड़बड़ी हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। ओह ये फेल हो गया, बट ओह भाई मैं डायमंड कैसीनो से बाहर ही आ गया हूँ शायद से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये मैं कहाँ आ गया। पूरा स्टंट मारने की मैंने कोशिश करी थी, पर हाँ मैं दीवार के उस पार आ गया हूँ, पर अभी अंदर का अंदर। यार मेरे को बाइक घुमा के ही लानी होगी क्या, कि यहाँ पर कोई बैक साइड में रास्ता। ओ वेट, आगे आगे शायद से एक जगह खुली हुई है। यार अभी ना मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं कैसे इस कैसीनो के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। शायद से भी मुझे लेस्टर की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही अभी मेरे को कोई दूसरा नया रास्ता बता सकता है कैसीनो के अंदर जाने का। बट वेट, ये बैक साइड में अलग इवेंट चल रहा है, यहाँ पे कोई रेस वगैरह हो रही है क्या? मैं एक बार ही आगे चल के पता कर, मैं वही सोचूं, मैं इतनी देर से अकेले स्टंट मारने में लगा हुआ हूँ, इतने सारे लोग वहाँ पर थे, तो ये बाकी स्टंटर्स यहाँ बैक साइड में आकर अपना मौज कर रहे हैं क्या? ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इस लेडी से बात हो चुकी है, और ये कह रही है कि हर साल यहाँ पर एक हैलोवीन टूर्नामेंट होता है, और इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को अराउंड $50,000 मिलने वाले हैं, और साथ ही वीआईपी एंट्री मिलने वाली है डायमंड कैसीनो के पेंट हाउस की, मतलब पूरे के पूरे डायमंड कैसीनो की प्लस पेंट हाउस की भी मिलने वाली है। बाकी इस टूर्नामेंट में हमें करना क्या है, एक बाइक रेस है बस, वो जीतनी है जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि इस टाइम अपने पास एक बाइक नहीं है, एक रॉकेट है। लेट्स गो, इन्होंने बोला है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 5 लोग और आना बाकी हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे ये जो टूर्नामेंट है ये स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हम लोग ना गाइस आगे चल के वेट करते हैं, क्योंकि वो जो रेसिंग टूर्नामेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, उसकी जो एंट्री फीस थी वो मैंने पे कर दिया जो कि $1,000 से, बट कोई नहीं अभी हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस वो रेस जीत के वीआईपी पास चाहिए कैसीनो के अंदर एंटर होने का। ओह यस गाइस, सारे के सारे रेसर्स एकदम मस्त रेडी हो चुके हैं, सबने हेलमेट लगा लिए हैं सेफ्टी के लिए। वैसे अभी ना मुझे इन पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि इनको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इनकी क्या बैंड बजने वाली है इस रेस में। इनकी बाइक की जितनी मैक्स स्पीड है ना उतनी मैं रेस देते ही पहुंच जाऊंगा। फिलहाल अभी रेस स्टार्ट होने वाली है। ओ लेट्स गो, इन्होंने बेटा पहले से ही रेस देके रखी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, इनको फिलहाल अभी भगा लेने देते हैं अपनी बाइक। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते क्योंकि आगे से बाइक मोड़नी है। लेट्स गो,
अब टाइम आ चुका है अपनी बाइक को भगाने का। मैं सोच रहा हूँ पहले ना इनको आगे जाने देता हूँ, फिर एक ही बार में छः के छः लोगों को ना मस्त तरीके से पीछे करूँगा। वैसे मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा भी ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि जो बंदा सबसे आगे चल रहा है ना उसके पास ट्रॉन बाइक है, वो ट्रॉन बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। खैर अभी इन लोगों ने अपनी स्पीड दिखा ली, अब बारी है अपनी। 3, 2, 1 अभी नहीं, थोड़ा सा और उन्हें आगे जाने देते, मजा भी तो आना चाहिए ना ओवरटेक करने में। ब्रो 2 मिनट रुक जा। 3, 2, 1 लेट्स गो। अब अपनी बाइक की स्पीड सीधा 400 पहुंचने वाली है। और ओ वेट, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है भाई कसम से, अभी पीछे ठुक जाता, मैं सही बता रहा हूँ। फिलहाल ये जा रहे वो सारे के सारे रेसर्स, एक गया, दो गया, तीसरा गया, और ये ट्रॉन बाइक वाला भी गायब, और हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट पोजीशन पे। ये बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है, उनको आगे आने देते हैं। भाई क्या करें, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, अपनी बाइक बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है। वैसे एक बंदा ना बहुत तेज़ी में आ रहा है वहाँ आगे से, इसको आने देते हैं। ये ट्रॉन बाइक वाला कसम से स्लो नहीं चला रहा है, ये बहुत फास्ट ही चला रहा है। ये बाद में दिक्कत दे सकता है। बाकी ये जो सबसे पीछे वाली आप देख पा रहे हो ना, ये है डेथ बाइक। ये वाली नहीं जो आगे गई, वो डेथ बाइक है। बाकी इसके तो मैं बैंड बजाती हीरी ऐसे की तैसे निकल तू साइड में। ओ भाई, अभी उसको साइड करने के चक्कर में मैं खुद इस रेस से साइड हो जाता। वो तो सही है कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। वैसे गाइस एक तो ये रात की रेस में ना ऐसा होता ही है, अगल बगल एनिमल्स आ जाते हैं और ढंग से कुछ नजर नहीं आता। खैर ठीक है, एक तो यहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। फिलहाल अभी मैंने सबको पीछे कर दिया, बट वो जो ट्रोन बाइक वाला बंदा है वो अभी भी मेरे से आगे चल रहा है। रुक जाओ, इसकी मैं बैंड बजाता हूँ, तो निकलती रही ऐसी तैसी साइड चल तू। ओह वेट, ये फर्स्ट पे चल रहा है, तू भी साइड हो, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ। बट वेट, ओह मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैं भूल ही गया था कि अपनी रेस जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, हमें ये वाला चेक पॉइंट क्रॉस करके वापस उसी लोकेशन पे जाना था, यू टर्न मार के, और बाइक को स्पीड में भगाने के चक्कर में मैं आगे ज़्यादा चला गया। भाई मैं सोच रहा था इतनी देर से मेरे पीछे कोई आ नहीं रहा। बाकी हाँ यार, अभी फालतू बातें नहीं करनी, वो लोग अब तक बहुत ज़्यादा आगे चले गए होंगे, तो मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें दोबारा से ओवरटेक करना होगा, क्योंकि अगर वो लोग मेरे से पहले पहुँच गए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल इस टाइम पर अपनी जो बाइक है वो 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। मैंने एक बाइकर को तो पीछे करा है, पता नहीं वो अपना ओपोनेंट था या फिर कोई एक नॉर्मल बाइकर था, पता नहीं। फिलहाल ओ ये जा रहे सा, नहीं नहीं ये भी नहीं है, ये जा रहा एक बंदा। चल भाई बाय बाय, यानी मैं सही रास्ते पे हूँ, ट्रॉन बाइक वाला जा रहा है, बाकी ये तीनों जा रहे हैं। अभी रुक जाओ भाई, इस तरीके से ना अगर कोई भी आगे गड़बड़ हुई मैं हार जाऊंगा, इसलिए इनको रास्ते से ही मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर दूँ लग यहाँ। भाई ये हायाभूसा वाला बहुत तगड़ी चला रहा है, और इसको इस टाइम पर ट्रैक से हटाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेट्स गो, उसको मैंने गिरा दिया है, उसका तो गलत ही एक्सीडेंट हो गया। बारी है इसके, तेरी ऐसे के तैसे तेरे को जितवाता हूँ मैं VIP पास, एक दिन हेलोवीन पार्टी। ओ भाई वो अपना निकल रहा है, रुक जाओ, एक टारगेट को पीछे करा, दूसरा वाला ये आ गया। मैं आज सबको ऐसी बाहर कर दूंगा रेस से, ठीक है, तुम लोग तो जाने ही नहीं वाले। एक सेकेंड, इसको बैरियर में भिड़ाऊंगा। क्या कर रहा है तू, आ जाओ। ओके तो अभी दोनों मेरे से आगे जा चुके हैं, बारी है बैरियर में इनको भिड़ाने की। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई साहब वो तो बहुत ऊंचा चला गया। ओ नहीं, ट्रोन बाइक वाला निकल जाएगा इससे, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। रुक जाओ भाई, वो ज्यादा आगे नहीं गया, सही है, तेरे को ज्यादा जल्दी हो रही है ना, रुक जाओ, इसकी मैं बैंड बजाता हूँ, निकल। भैंस की, जीतूंगा तो मैं ही इस रेस को, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये एंड में इसने बूस्ट मारा ना अपनी बाइक का, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स गो। खैर अभी मैं इस पे कम ध्यान देता हूँ, मैं अपना ना रेस पे फोकस कर लेता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस मेरे को डर ये लग रहा है कि ट्रोन बाइक में ना एक बहुत तगड़ा बूस्टर होता है, उसने एंड टाइम पे मारा, खैर अब क्या ही मारेगा। हेलो, वो तो बहुत ज़्यादा दूर रह चुका है। एक मिनट, आ गया, ये जैसे आएगा ना वैसे ही मैं अपनी बाइक भगाऊंगा। इसके साथ स्कैम होने वाला है, लेट्स गो, अब तो कोई नहीं रह सकता। लो भाई, सबसे पहले हम लोग वापस पहुँच चुके हैं, बेचारा हुआ है, बाकी दो रेसर्स का एक्सीडेंट करवा दिया हमने, बहुत ही ज़्यादा गलत वाला। लेट्स गो। तो गाइस अभी फिलहाल सारे के सारे रेसर्स अपना यहाँ पर आ चुके हैं, और इसको पता नहीं क्या परेशानी हो गई है, ये पहले तो उसकी बाइक लेकर आया और अभी भी बाइक अपनी खड़ी नहीं कर रहा है, उल्टा उसकी बाइक पर टक्कर मारे जा रहा है। फिलहाल अपना काम हो गया, मुझे चल के फटाफट से VIP पास लेना चाहिए डायमंड कैसीनो में एंटर होने का। ओ सॉरी, यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है, मतलब डगन बॉस ने ऐसी जगह पे भी बंदे लगा रखे हैं,
ओके तो विनर अपनी बाइक से उतर चुका है और चलते हैं वीआईपी पास लेने के लिए, लेट्स गो। ओके तो फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार हमें डायमंड कैसीनो के अंदर जाने का वीआईपी पास मिल गया है। अभी मैं चाहूँ तो पार्किंग से, मेन गेट से, बैक गेट से, कहीं से भी इस कैसीनो के अंदर एंटर कर सकता हूँ। सही में यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने नहीं सोचा था कि ढक्कन बॉस के आने के बाद सिक्योरिटी इतनी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल ये जो रेसर्स हैं बेचारे परेशान हो रखे हैं, कोई किसी की बाइक तोड़ रहा है, कोई एक दूसरे की शक्ल ही देखे जा रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो गया भाई, कैसे हार गए। मतलब उनको शक हो रहा होगा भाई हम ये कौन सी बाइक लेकर आ गए हैं। तो मैं तो सही बता रहा हूँ, फुल पूरी रेस दी भी नहीं थी तभी मैं जीत गया, बाकी फुल स्पीड में खेलता तो पता नहीं क्या होता। बाकी इस गेट से भी मैं एंट्रेंस कर सकता हूँ सर, कोई नहीं, मैं आगे वाले गेट से जाऊँगा क्योंकि मुझे अपनी बाइक पार्क करनी है। कहीं पता चला मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और वो लोग मेरी बाइक चुरा के ले गए तो अलग ही लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ से अंदर चलते हैं। ओके तो ये मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूँ सीधा कैसीनो में और ये देखो आते ही हमें क्या देखने को मिला, फरारी। वाओ लेट्स गो, पीछे वाला ब्लॉक खाली है, फटाफट से चल के मैं अपनी बाइक को यहीं पे पार्क कर देता हूँ। वैसे अगर देखा जाए ना तो इस पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है ना, शायद से बाइक उन सभी कार्स से महंगी होगी। बाकी इन सब का तो नहीं पता, बट हाँ ये कार कौन यहाँ पर लाके खड़ी करके गया है पता नहीं यार, बड़ी सस्ती सी लग रही है। वैसे हो सकता है कि कहीं बहुत ज़्यादा महंगी हो। फिलहाल यहाँ पर कोई माफिया वगैरह आया हुआ है क्या यार, ये ब्लैक रेंज रोवर खड़ी हुई है पता नहीं, खैर छोड़ो जो भी है। फिलहाल अभी मैं जल्दी से चलता हूँ सीधा कैसीनो में, अपनी मस्त एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे मुझे अपना वीआईपी पास लगाना है और अंदर जाना है, ऑल डन। फटाफट से अभी हम लोग चलते हैं सीधा कैसीनो में, अब हमें यहाँ पे कोई भी नहीं रोकने वाला अंदर जाने से। बस हाँ अभी भी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ना ही आर्मर है, ना ही कोई वेपन है, ना ही कोई बॉम्ब है। तो आखिरकार हम लोग इस कैसीनो को कैसे ब्लास्ट करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके तो ये मैं आ चुका हूँ कैसीनो में ही, बट वेट ये मैं गलत आ गया क्या, यहाँ पर तो देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हेलोवीन पार्टी चल रही हो, क्योंकि कोई भी बंदा मुझे हेलोवीन आउटफिट में नजर नहीं आ रहा। बट हाँ ये जो अपना गिटारिस्ट है, गिटार बजा रहा है, इसने हेलोवीन आउटफिट पहनी हुई है। वैसे गिटारिस्ट ही बोलते हैं ना, खैर जो भी बोलते हैं, बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना सारे के सारे जो डगन बॉस के दोस्त हैं ना, सारे माफिया वगैरह, मतलब ये वही सारे बिजनेसमैन हैं जो कि एक नॉर्मल आउटफिट में यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी हाँ अभी मुझे इन पे कम फोकस करना है, फटाफट से ना पहले मुझे एक प्राइवेट स्पेस में जाना होगा। मैं तो सोच के आया था यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, ऐसी बीच बीच में छुप छुप के बॉम्ब प्लांट कर दूंगा। इधर भीड़ बिल्कुल नहीं है, मतलब जितने बंदे हैं ना उससे ज़्यादा तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो बॉम्ब प्लांट करना तो बहुत दूर की बात है, बॉम्ब निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं। अभी फटाफट से ना मैं सीधा पहले ना किसी प्राइवेट, ये वाली जगह भी सही नहीं है, मुझे ना सीधा यहाँ पर अभी रेस्ट रूम ढूंढना होगा अपना, वही टॉयलेट में जाके एक बार लेस्टर से बात करते हैं और पता करते हैं। अबे भाई पीछे भी पूरी भीड़ लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है, कैसीनो भरा हुआ है इस टाइम पे पूरा का पूरा। हाँ ये रहा रेस्ट रूम, लेट्स गो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। बस ये अभी फीमेल, अरे फीमेल वाला ही था भाई साहब, एकदम अलग ही किस्मत है। लेट्स, मेरे को दूसरे में जाना पड़ेगा बात करने के लिए एक बारी। ओके तो फाइनली मुझे मेल वाला रेस्ट रूम मिल चुका है, फटाफट से अभी अंदर चलते हैं और लेस्टर को कॉल करके पता करते हैं कि आखिरकार हमारे पास वो वेपन्स कैसे भिजवाने वाला है, और नहीं भी भिजवाएगा तो पहले बता दे मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पर मुझे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तो नजर नहीं आ रहा, ये एक बंदा खड़ा है, ये क्या ही हमारी बातें सुनेगा, वेपन्स इसको समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पर आराम से खड़े होकर बात कर लेते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, मतलब उसके बाद डगन बॉस अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी लेकर यहाँ पर आ जाएगा पार्टी एंजॉय करने के लिए, और फिर तो हमारा यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम लोग कोई भी बॉम्ब वगैरह प्लांट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेस्टर कह रहा है कि तुम कुछ भी करके ना सीधा पेंट हाउस तक पहुँचो और वहाँ पर वो एक ड्रोन के थ्रू हमारे पास वेपन्स पहुँचा रहा है सारे के सारे। तो अभी बस मुझे ऊपर जाने का रास्ता छोड़ो, यहाँ तो डायरेक्ट लिफ्ट जाते हैं ना ऊपर, ठीक है अभी हम लोग सीधा वहीं से ऊपर चलते हैं। गाइस इमेजिन करो कि एक बार को हमारे पास बॉम्ब्स आ भी जाते हैं, बट फिर उसके बाद मैं उसे प्लांट कैसे करूँगा मेरे को नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और इनमें से कोई ना कोई मुझे बॉम्ब प्लांट करते हुए जरूर देख लेगा। फिलहाल ऊपर चलते हैं। ऑलराइट लिफ्ट से मैं ऊपर आ चुका हूँ पेंट हाउस पे और अभी मुझे जाना होगा पेंट हाउस की रूफ पे जहां पर लेस्टर ने हमारे लिए वेपन्स भिजवाए हैं। ओके तो ये मैं आ चुका हूँ पेंट हाउस की रूफ पे, बाकी मुझे यहाँ पर देखना होगा सिक्योरिटी यहाँ पर भी है। मैं सोच रहा था एटलीस्ट यहाँ पर तो सिक्योरिटी ना हो, बाकी अभी मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है जब तक मैं कोई इलीगल काम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ।
मेरे पास वेपन्स नहीं है, मैं कोई चोरों की तरह नहीं चल रहा हूँ, नॉर्मली बस मैं एरिया स्काउट कर रहा हूँ कि कहाँ से मैं इसकी छत पे जा सकता हूँ, क्योंकि ट्रैवर ने ना वेपन्स इस छत पे नहीं ऊपर वाली छत पे भिजवाया है। सीधी सी बात है यार, ये एक नॉर्मल पेंट हाउस है जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक भी है, यहाँ पर भिजवाएगा तो कोई भी ड्रोन को देख लेगा। तो अभी बाकी चीज़ें मेरे को नहीं देखनी, मेरे को ना बस कुछ भी करके ऊपर तक पहुँचना है, और ऊपर तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यहाँ पर इन झाड़ियों के बीच से होता हुआ छुपते हुए मैं आगे जाने वाला हूँ। कुछ पता नहीं है, पता चला नीचे झाड़ियों में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हों। बाकी यार मैं भागता हुआ यहाँ पर तो आ गया था, मेरे को लग रहा था इधर ऊपर जाने का रास्ता होगा, बट है रास्ता पर बहुत ज़्यादा रिस्की है, सीधा 5 मंजिल नीचे जाके गिरूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मुझे कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज मैं वहाँ से चले जाऊँ ना तो मैं बैक साइड पर चले जाऊँगा, और बैक साइड से पक्का कोई ना कोई सीढ़ी या फिर कोई ना कोई तरीका होगा ऊपर जाने का पक्का। बाकी मैं इन लोगों के आगे ऐसे जंप मार के इधर उधर करूँगा तो ऐसे दिक्कत तो नहीं होगी ना। वैसे ठीक है, लेट्स गो। अभी फटाफट से मैं इस झाड़ियों में कूदता हूँ और आराम से मैं यहाँ पर एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला हूँ। ये रास्ता गाइस पूरा क्लियर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, और अभी मैं आ चुका हूँ स्विमिंग पूल की दूसरी साइड पर। क्या मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ? वाओ, अभी मैं स्विमिंग पूल के अंदर आ चुका हूँ, और गाइस ये देखो मेरे को पीछे जाने का रास्ता मिल गया, बट यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि अभी लेफ्ट साइड पे गया है, मैंने उसे पूरा जाते हुए देखा है, हो सकता है वो इस तरफ को वापस आएगा, बस मुझे कोई उस साइड से ना देखे। मैं यहीं पर उसका वेट करता हूँ, जैसे वो वापस आएगा मैं ट्राई करूँगा उसको आ गया, मैं उसको बोल ही रहा था और ये वापस आ गया है। अभी मुझे ना इसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 शॉट में डाउन करना है, क्योंकि इसके पास एक अजोल्ट राइफल भी है M416। तो एक काम करता हूँ, मैं ना उसके दोबारा आने का वेट करता हूँ, जब तक ये जो स्विमिंग पूल है इसको टाप के मैं इधर छुप जाता हूँ। मेरे हिसाब से जब वो इधर आएगा तो शायद मुझे नहीं देख पाएगा। लेट्स गो, मेरे को तुरंत जाके उसके मारना पड़ेगा। और रुक जाओ थोड़ा सा, वेट, जब वो पीछे घूम के जाएगा मुझे उसे तब मारना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा ये तो ज़्यादा पास आ रहा है। एक सेकेंड, स्की बै स्की टांग ले, अभी उसके मस्त मुक्का मैंने बचा दिया है। ओ वेट, ओ भाई बच, ओ भाई साहब इसके अंदर अभी भी जान है। लेट्स गो, फाइनली मुझे गन मिल चुकी है। भाई ये देखो ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोज करके दिखाता हूँ ये क्या है। बच गए, अगर अभी इसका फेस इस साइड पे होता ना अपनी बैंड बच जाती, तो अभी सीसीटीवी कैमरा सामने ही है, इसके पास से मुझे गन मिल गई है। गाइस एक्चुअली एक नहीं, मुझे इसके पास से 2 गन मिल गई है, और अच्छी बात तो ये है कि दोनों गन में सप्रेसर लगा हुआ है। मुझे भी फटाफट से ना ये जो सीसीटीवी कैमराज हैं इन पे बुलेट मार के इन्हें डिसेबल करना है। और यहाँ पर ही जो उतरी भाई सब, सामने से एक बंदा और आ रहा है, और मैंने लाइट फोड़ी थी, शायद उस तक साउंड नहीं पहुँचा है, मुझे ना इसे फटाफट से टपकाना होगा। रुक जाओ लेट्स गो, ये रहा तीरी, ऐसे की तैसे गया। भाई साहब यहाँ पर छत पे भी बहुत गदर वाली सिक्योरिटी लगा रखी है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो ये जो अलार्म्स है ना ये बज जाएंगे, और अलार्म बजे उससे पहले मैं इन अलार्म को ही फोड़ डालूंगा। ये वाला सीसीटीवी भी गया, अलार्म भी गया, लाइट भी गई। बाकी यहाँ पर ये वाले जो रूम है, एक बारी मैं इसके अंदर चल के देखता हूँ, क्या पता अंदर ऊपर जाने की सीढ़ी हो। ऊपर जाने की सीढ़ी तो नहीं है, पर जो चीज़ यहाँ पर मिली है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस अगर मैं इसको फोड़ता हूँ तो डायमंड कैसीनो की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, पर ये सिर्फ इतना सा सॉकेट नहीं होगा यार इतने बड़े कैसीनो का, शायद आगे भी कुछ रूम्स हैं, और हो सकता है वो भी रूम क्या पता इसी चीज़ के हो, या फिर कुछ ना कुछ तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट होगा। मैं एक बार रूम के अंदर चल के देखता हूँ, खतरा हो सकता है इस रूम में कोई है, नहीं है यहाँ पर। भाई साहब मेरे को समझ आ गया अभी क्या करना है, तो पहले मैं जाता हूँ ऊपर से ना बॉम्ब लेकर आता हूँ जो लेस्टर ने मेरे भिजवाए हैं। उन बॉम्ब को लेकर आने के बाद मैं सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दूंगा, और जब पूरे में अंधेरा हो जाएगा मैं फटाफट से बॉम्ब प्लांट कर दूंगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सारा का सारा काम मुझे जल्दी से जल्दी करना है। लाइट सारी की सारी ब्लास्ट कर देता हूँ ताकि कोई सीसीटीवी रह भी जाए ना तो भी उसके बाद मुझे कोई दिक्कत ना आए। लेट्स गो, ये वाली लाइट भी गई, अलार्म भी गया, सारे के सारे अलार्म मैंने यहीं से खड़े खड़े फोड़ दिए, लाइट भी फोड़ दी है। अभी जल्दी से मैं एक ही बार में भाग के आगे जा सकता हूँ, पर यार यहाँ से भी कोई ऊपर जाने का रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये वाला सीसीटीवी मैं डर गया था कि मैंने फोड़ा या फिर नहीं, यहाँ पर कोई है आगे मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। लेट्स गो, लाइट है, एक अलार्म है, ये भी गया, बाकी मुझे कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक मेरे को किसी भी कैमरा ने नोटिस किया है, और मुझे ऊपर जाने की सीढ़ी मिल चुकी है। तो चलो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं आ चुका हूँ डायमंड कैसीनो की रूफ पे। फिलहाल सबसे पहले मुझे अपनी गन बाहर निकाल के कवर ले लेना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं मैं सारी की सारी ना यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ताकि अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो तो वो मेरे को सही से देख ना पाए। बाकी यहाँ पर कोई भी कैमरा मुझे आस पास नजर नहीं आ रहा है। ओ वेट, कैमरा है, कैमरा है,
पता नहीं उस कैमरे ने मुझे देखा या फिर नहीं देखा, बट हाँ कैमरा है। फटाफट से मैं इसे ट्राई करता हूँ डिस्ट्रॉय करने का। अलार्म भी फोड़ दिया, सारी यहाँ पर जो लाइट्स है वो भी फोड़ देते हैं। सामने एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम है। और ये है वो ड्रोन जो कि लेस्टर कंट्रोल कर रहा है, वो मुझे देख रहा होगा इस टाइम। और ये रहा वो बैग जिसके अंदर बॉम्ब्स हैं और कुछ वेपन है। फटाफट से गाइज ये निकाल लेते हैं और लेस्टर इसे यहाँ से ले जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मैंने इसमें से सारा का सारा इंपॉर्टेंट सामान अपने लिए बाहर निकाल लिया है, जिसके थ्रू मैं डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट करने वाला हूँ। फिलहाल नीचे चलते हैं, बट नीचे तो एक बंदा खड़ा हुआ है जिसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स गो, बेचारे को पता भी नहीं चला होगा मैंने कहाँ से मारा। अभी जल्दी से गाइस मैं यहाँ से ना फटाफट नीचे उतरता हूँ, और अभी मेरे को डायरेक्ट कैसीनो में नहीं जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ना ये वाले जो बॉम्ब है स्टिकी बॉम्ब्स, इसको प्लांट करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, जब भी मैं इन बॉम्ब को चाहूँगा ये फूटेंगे और ये सारे के सारे सॉकेट्स जितने भी हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पावर सप्लायर्स और पूरे के पूरे डायमंड कैसीनो की इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। और इसी का फ़ायदा उठाकर हम लोग इन बॉम्ब्स को मेन मेन जगह पर प्लांट कर देंगे। वैसे आधे से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो इसी से होने वाला है, ये जो मैं कर रहा हूँ। पूरे दो फ्लोर गिर जाएंगे, और दो फ्लोर गिरने से नीचे का एक फ्लोर तो ऐसे ही जाएगा, बाकी बची बेसमेंट और बाकी दो ग्राउंड फ्लोर्स। ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर हर एक रूम में अच्छे से बॉम्ब लगा दिया है, बस एक ये वाला लास्ट रूम रह गया था। ये नीचे से धुआं कहाँ से आ रहा है भाई, हेलो, पहले से किसी ने आग लगा रखी क्या? अरे नहीं, यहाँ पर किचन भी तो होगा ना, ये पक्का उसी का वेंट होगा आउट वाला। लेट्स गो, यहाँ पर भी एक बॉम्ब लगाते हैं, अपना काम हो गया। सारे बॉम्ब अंदर रखते हैं, यहाँ सामने किसी को कुछ नहीं पता हम पीछे क्या कर आ रहे हैं। लेट्स गो, पूरा छत वत सब घूम कर आ गया भाई, आज तो मैं डायमंड कैसीनो के अच्छे से। अभी फटाफट मुझे यहाँ से इस तरीके से नहीं, अभी थोड़ा तमीज में चलना होगा। इन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। एक तो हेलोवीन का टाइम है, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ, मतलब मैं तो सही हूँ, बट ये लोग को अजीब लगना चाहिए। अभी तो मतलब ऐसे कोट पैंट पहन के आए हुए हैं जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील होने जा रही हो। फिलहाल हाँ मैं बिल्कुल सही था, यहाँ पर नीचे एक किचन है और वो जो स्मोक था शायद से वो यहीं से आ रहा होगा। ओ इधर नहीं, मेरे को तो मेन नहीं, अभी सीधा ग्राउंड फ्लोर पे ही चलते हैं ना यहाँ से। ओके गाइस, तो ये मैं आ चुका हूँ डायमंड कैसीनो के ग्राउंड फ्लोर पे, मीन्स मेन बिल्डिंग पे, और टाइम आ चुका है अभी बॉम्ब को ब्लास्ट करने का। यहाँ पर फुल डांस वगैरह चल रहा है, मैं थोड़ा सा साइड खड़े होता हूँ, बस मुझे कोई देखे ना। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओह भाई साहब, जैसा कि मैंने कहा था पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं गई है, मतलब शायद डायमंड कैसीनो का कोई और भी बैटरी बैकअप है, लेकिन हाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। पर मेन जो एरिया है ना, यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, पता नहीं भाई इन लोगों ने क्या सोलर पैनल से कर रखा है, बट अभी तो बाहर सूरज भी नहीं निकल रहा है। फिलहाल हाँ यहाँ पर अंधेरा है, यही सही मौका है, अपने बॉम्ब वगैरह मैं बाहर कर लेता हूँ। और यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, एक बॉम्ब तो यहाँ पर अपना बनता है। लेट्स गो, एक बॉम्ब मैंने लगा लिया है, दूसरे वाले बॉम्ब को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। मुझे ग्राउंड फ्लोर के हर एक पिलर पे अच्छे से बॉम्ब लगाने ही होंगे। फिलहाल यहाँ पर अंदर भी कोई कैमरा नहीं है, मुझे लग रहा था डायमंड कैसीनो के अंदर बहुत सारे कैमरे होंगे, मतलब हो सकता है हो बट हाइड हो कुछ पता नहीं। पर इस अंधेरे में कुछ भी खास नहीं दिखने वाला, कहीं कहीं पर अंधेरा है, कहीं कहीं पर नहीं भी है, तो थोड़ा बहुत संभल के। बाकी मेरे पास ये जो गन है ना M416 जो कि मैंने उस टेररिस्ट की उठाई थी, इसमें एक मस्त टॉर्च भी है। आगे थोड़े बहुत लोग हैं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, चुपचाप से बैठ के यहीं पे अपना बम साइड में लगा देते हैं, इधर कोई नहीं देख रहा। बाकी बम मैं अंदर रखता हूँ, अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा रेस्ट रूम में, वहां पर भी एक आध बम प्लांट कर आते हैं। वो जगह तो फूटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट, यहाँ पर कुछ लोग हैं, आराम से बॉम्ब लगाऊंगा अंदर सीधा पॉट सीट के। ये वाला बॉम्ब बहुत ज़्यादा गलत जगह पे लगा है। एक ये मैनेजमेंट वाला एरिया है, इस तरफ मैं अभी तक नहीं गया था, शायद से ये ऑफिस जाने का रास्ता होगा। यहाँ पर भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो फटाफट से एक बॉम्ब मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। और बॉम्ब के साथ साथ मुझे लेस्टर ने कहा था कि अगर हमें कैसीनो को अच्छे से ब्लास्ट करना है ना, तो इधर मैं ये थोड़ा सा ऐसे फ्यूल भी डाल देता हूँ ताकि आग जो है ना बढ़ती चले जाए और फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाए। और भाई साहब सही है, मैं उसे यहाँ तक नहीं लेकर आया, वरना गड़बड़ हो जाती, ये लोग यहाँ पर खड़े होकर अपना बातें करते। अभी फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं, इस तरफ भी मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूँ एक बॉम्ब मैं यहाँ पर भी एकदम मस्त लगा देता हूँ। लेट्स गो। तो गाइस अभी ना मैंने हर एक पिलर पे अच्छे से बॉम्ब लगा दिए हैं, मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 बॉम्ब के अंदर ये पूरा का पूरा डायमंड कैसीनो गिरा डालेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे वो कैसे, क्योंकि देखो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो मेन पिलर्स पे टिकी होती है, और वो जो बॉम्ब है मैंने पिलर पे ही लगाए हैं, बस ये वाला एक गेट पे लगाया है
ताकि आग पूरी बढ़ते चले जाए। अगर थोड़ा बहुत बच कुछ भी जाए ना तो वो भी आग से जल जाए, क्योंकि ये हमारा काम है डिस्ट्रॉय करना। तो हम लोग अच्छे से डिस्ट्रॉय करके जाएंगे। इस वाली वॉल पे भी लगा देता हूँ, सामने भी यहाँ पर एक बॉम्ब लगा देते हैं। बहुत सारे बॉम्ब हो चुके हैं, डगन बॉस यहाँ पर आने ही वाला होगा, मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। बाकी जो है कि ये जो बचे कुचे बॉम्ब है मैं अपने साथ वापस घर नहीं ले जाने वाला हूँ, तो यहीं से दूर दूर फेंक फेंक के मैं लगा देता हूँ। बस मेरे को कोई देख ना ले, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक डस्टबिन में भी डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स गो। सारे के सारे बॉम्ब मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिए हैं, अब बस मुझे बिल्डिंग से बाहर निकल के इन सभी को ब्लास्ट करना है, ताकि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी गिर जाए। लेट्स गो। कहाँ से बाहर निकलूं, उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है यार, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं मैं अभी वहीं से बाहर जाने वाला हूँ, पर भाग के, क्योंकि अपने पास बहुत कम टाइम है। डगन बॉस आ गया ना तो अपना बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, कसम से। लेट्स गो गाइस, फाइनली एंड सेफली सारे के सारे बॉम्ब्स डायमंड कैसीनो में प्लांट करके मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, और अब टाइम आ चुका है इन सभी बॉम्ब को ब्लास्ट करके डायमंड कैसीनो को उड़ाने का। बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उससे पहले अपनी बाइक थोड़ी पीछे कर लेते हैं, पता चला बिल्डिंग अपने ऊपर ही आगे गिर जाए। तो चलो गाइस, टाइम आ चुका है लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा लग्जरी, सबसे महंगी चीज को ब्लास्ट करने का। बट एक सेकेंड, ये पीछे क्या कर रहा है भाई? मुझे लग रहा है कि इसको सब मालूम पड़ चुका है और मेरे मुड़ते ये मुझे मारने वाला है। बट वेट, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैंने ग्रेनेड निकाल लिया है, ये ग्रेनेड मैं सामने नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये ग्रेनेड ना लगे हाथ ही मैं इसके ऊपर फेंक दूँ। ये ब्लास्ट हो चुका है, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मेरे को बहुत बुरी तरह मारने वाला है। लेट्स गो। वो ग्रेनेड मैंने पीछे फोड़ दिया है, और अभी फटाफट मैं अपनी बाइक यहाँ से निकाल लेता हूँ। भाई साहब, पता नहीं उस ग्रेनेड से डगन बॉस को कुछ हुआ या फिर नहीं। ओ तेरी भाई, मैं यहाँ गिर चुका हूँ पक्का, वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे आ ही रहे होंगे यार, रुक जाओ। ओके गाइस, तो भी फिलहाल मैंने अपनी बाइक यहाँ पर उठा ली है, जल्दी से स्टार्ट कर लिए, पर सामने से यहाँ पर अभी बंदे आना स्टार्ट हो गए हैं, और मेरे पास एक पिस्टल है जो कि मैं बाइक पे बैठकर चला सकता हूँ। ओ भाई, कैसीनो का तो बुरा हाल हो गया, ब्लास्ट हो के पूरे रास्ते खा लिए आज के दिन। रुक जाओ, अभी इनको लग रहा है अपनी बाइक की स्पीड दिखानी पड़ेगी तुम्हारी ऐसे की तैसे। लेट्स गो। इस बग्गी वाले के मैंने हेडशॉट दे दिया, इसको भी टक्कर मार के मैंने उड़ा दिया, मुझे ना इसकी वाली गन चाहिए। गाइस अभी ना मुझे कहीं ना कहीं छुपना होगा, लग रहा है डगन बॉस ने पूरा का पूरा शहर इस टाइम ब्लॉक करवा दिया है, ताकि हम लोग कहीं पर भी भाग के ना जा पाए। वेट 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 वेट, सामने से भी उसकी गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही है। एक जगह है जहाँ पे मैं शायद से इनसे सेफ रह सकता हूँ, बाकी मुझे अभी लेस्टर को कॉल करना होगा, भैया जो आके मेरी हेल्प कर सकता है। सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन में बैठ के निकल लूँ क्या? नहीं यार, वो भी रिस्क हो सकता है, पता चला ये आगे ले जाके ट्रेन रुकवा दे। हाँ तो गाइस, यही है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था, बस मुझे आगे जाना है थोड़ा सा, और वहाँ एक टनल है जिसके अंदर मैं छुप के बैठ सकता हूँ, जब तक ये आता नहीं है तब तक के लिए तो ठीक है। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, जल्दी से इस जगह के अंदर चलते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेट्स गो। बस अभी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से मैं अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करता हूँ और लेस्टर को फोन मारते हैं, देखते हैं आखिरकार लेस्टर हमें क्या बोलने वाला है। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और वो कह रहा है कि तुम ना टनल की दूसरी साइड से जल्दी बाहर निकलो, ये जो लोग थे ना ये उसकी बस थोड़ी सी सिक्योरिटी थी, बट अभी उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी डगन की मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ चुकी है। और लेस्टर ने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि अभी वो हमें बचाने वाला है, पता नहीं कैसे बचा पाएगा, क्योंकि इस टाइम डगन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मैंने ब्लास्ट कर दिया है। वो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के साथ सेलिब्रेट करने आ रहा था, और उसकी आंखों के आगे पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट करी, ऊपर से मैंने उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया, बट लकीली शायद वो उस ग्रेनेड से बच गया है, पर मेरा कुछ नहीं पता मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं। पर हाँ, लेस्टर ने मुझे दूसरी साइड से एस्केप करने के लिए बोला, तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। बे यार, इतनी जगह थी लेकिन बाइक को यहीं आगे भिड़ना था। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से पहुंचता हूँ। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके इस टनल से जल्दी बाहर निकलने वाला हूँ। बट वेट, ओ भाई साहब, यहाँ पर तो और भी काफी सारे बंदे बैठा रखे हैं इन्होंने, और इधर तो आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, और पीछे भी पूरा का पूरा रास्ता इन लोगों ने घेर रखा है। ओह वेट भाई, वो तो शुक्र है कि जो बाइक है थोड़ी बहुत पावरफुल है, वरना अभी तक ये लोग मेरे को बाइक से ही गिरा डालते। तुम्हारी ऐसे की तैसी, भाड़ में जाओ, तुम स्टंट मार के ही निकाल लूंगा। बेचारे डर के मारे नीचे कूद जा रहे हैं। लेट्स गो। अभी मैंने अपनी बाइक, ओ नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसको मालूम ही नहीं पड़ा है कि मैं पीछे से आ चुका हूँ। फिलहाल अभी मेरे को इसे मारना पड़ेगा, सामने वाले को भी मैंने मार दिया। अरे नहीं यार, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो चुका है, मेरी बाइक पे एक बॉम्ब है, मैंने उस बॉम्ब पे शॉट मार दिया और अपनी बाइक मैंने ब्लास्ट कर दी, ताकि इन लोगों से बच के मैं भाग पाऊँ।
अभी उस तरफ आग लग चुकी है, तो जहां तक है ये इस पार नहीं आ पाएंगे। खैर ये आग बुझा ले तो बात अलग है, पर मैंने देखा उनका एक बंदा शायद से जल के मर गया उस आग को पार करने के चक्कर में। सामने एक बंदा हो रहा है, इसको भी मैंने मार दिया है। पीछे भी खतरा है, सामने भी खतरा है। ओ वेट भाई, ये फाइट बहुत गलत जगह पे हो रही है। गाइस अपना इधर से बाहर निकलना तो सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं लेस्टर को बोलता हूँ कि इधर से मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को ना अभी पीछे से ही जाना पड़ेगा। भाई तेरी ऐसी किधर सी, तू पीछे से भाग के कब आया? वो भी डंडा मार रहा है मेरे पीछे से आके। फिलहाल ठीक है, यहाँ पर एक बंदा और था, ये भी डाउन है। और भी काफी सारे बंदे सामने हैं जिनसे लड़ना बहुत ज्यादा इस टाइम हार्ड हो रहा है। लेट्स गो, मैं वहाँ पे एक बॉम्ब डाल रहा हूँ और इस बॉम्ब को मैं अभी मस्त एकदम ब्लास्ट करने वाला हूँ। अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं इनको मारने के लिए। जितनी जल्दी मैं बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा उतनी आसानी से मरने वाले हैं, बट अपने पास ज्यादा बॉम्ब भी नहीं है, मुझे उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट्स गो, काफी सारे बंदे मैंने यहाँ पर मार दिए, बट बाहर से पुलिस वालों ने भी हमें घेर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है। अबे इधर तो आग लगी है और इधर एक बाइक है जो कि मुझे ले लेनी चाहिए। लेट्स गो, अपनी बाइक सामने से निकालने लायक बिल्कुल नहीं है, मुझे इस आग पे से टपा के पीछे से ही जाना पड़ेगा। पीछे एक मेट्रो वाला रास्ता है, उस मेट्रो वाले रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूँ। भाई ये अभी भी पीछे मेरा वेट कर रहे थे क्या? मुझे लग रहा था कि घूम के आ रहे होंगे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, मुझे यहाँ से बहुत तेजी में अपनी बाइक भगानी होगी, जो कि मैंने भगा लिया है। अब बस यहाँ पर कोई मेट्रो आ जाए या कुछ आ जाए, बाकी मैं फटाफट से ना लेस्टर को फ़ोन करके बोल देता हूँ। ओ वेट, ये आ गई, बट यहाँ पर स्टेशन है या फिर नहीं? नहीं, ये स्टेशन थोड़ी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो यहाँ पर ये नहीं रुकने वाली, यानी मुझे आगे जाना होगा। लेस्टर को मैं इस जगह पे बुलाता हूँ, शायद से वो हमारी हेल्प करने यहाँ पर जरूर आएगा। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक को भगाता हुआ उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। पुलिस वालों को पता नहीं कैसे मेरी लोकेशन पता चल चुकी है और वो शायद से उस टाइम मेरे को ट्रेस कर रहे हैं। मैं अच्छा खासा अंडरग्राउंड था, बट मैं खाली पीली अंडरग्राउंड से बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर तो पक्का वो मुझे ढूंढ डालेंगे, मुझे वापस अंदर चलना चाहिए, वो जगह शायद से पहले से ज़्यादा सेफ थी। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मुझे इस टनल में वेट करते करते बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। लेस्टर ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोला था, क्योंकि बाहर डगन बॉस के गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं हमें मारने के लिए, और डगन बॉस ने पुलिस को भी अपने अंडर ही कर लिया है, तो पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। फिलहाल अभी डगन बॉस के बंदे थोड़े से शांत हुए हैं, बट इस टाइम पे पुलिस भी बहुत बुरी तरह हाथ धो के हमें पकड़ने के लिए नहीं, हमारा एनकाउंटर करने के लिए हमारे पीछे है। फिलहाल लेस्टर इस मेट्रो स्टेशन के बाहर मेरा वेट कर रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि वही अभी हमें बचा सकता है। बट लेस्टर बचाने नहीं आया, लेस्टर यहाँ पर आया है कि हम दोनों मिलके जाएंगे डगन बॉस को मारने के लिए। पता नहीं आ रहा सब कैसे होने वाला है। फिलहाल हाँ, अभी लेस्टर हमारे साथ है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले यार फ्रैंकलिन ट्रेवर में से कोई ना कोई होता था, कितना आसान रहता था काम, बट अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। फिलहाल अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। ये लेस्टर की तो गाड़ी है, लेट्स गो, अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करते। ओ भाई पुलिस वालों के पुलिस वालों के नहीं, ये तो FIB वालों। भाई बैठो 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 गाड़ी में, एक सेकेंड। भाई लेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, मुझे अभी इन्हें मारना होगा। ओके ओके ओके, लेस्टर पहले गाड़ी में बैठ, इनसे हम लोग बाद में लड़ते रहेंगे। बाकी ये जो गाड़ी लेस्टर लेकर आया ना, ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वेट, मैं एक बार इससे कुछ शॉट फायर करके दे। ओ नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर इन लोग को अच्छे से पहले फोड़ने का। पहले अपनी गाड़ी को ना यहाँ से दूर लेकर चलते हैं, क्योंकि इसकी जो असली पावर है वो अगर मैंने दिखा दी तो शहर को बहुत डैमेज हो सकता है। गाइस इस गाड़ी की असली पावर यूज़ करने का मन ना मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट ये जो पुलिस वाले हैं ये हरकतें ही कुछ ऐसी कर रहे हैं कि अभी मेरे को ये करना ही पड़ेगा। एक सेकंड के अंदर हर कोई मारा जाएगा, ये इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन इस गाड़ी में लेस्टर ने लगवा रखा है। लेट्स गो, अभी फिलहाल कोई भी हमारे आगे नहीं टिकने वाला, और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा डगन बॉस के घर पे उसे तबाह करने के लिए। डगन बॉस को मारना नहीं, उसे जिंदा पकड़ना है, इस बात का मुझे याद रखना है। मारेगा तो शायद से अपना वही रिच मैन वाला दोस्त। तो गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है कि डगन बॉस ने अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है, और हमें ना कुछ भी करके अपनी गाड़ी नहीं रोकनी है, अदरवाइज वो लोग हमारी गाड़ी ब्लास्ट कर सकते हैं। और वेट, सिक्योरिटी उसने यहीं से लगा रखी है, रुक जाओ, ऐसी की तैसी। भाई साहब दिखी भी नहीं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर थी, सारी की सारी हमने ब्लास्ट कर दी है, और अभी कुछ इसी टाइप का सीन हम लोग आगे भी करने वाले हैं। भाई बहुत ज़्यादा गलत फाइट हो चुकी है, मुझे अपनी गाड़ी नहीं रोकनी, ऐसा मुझे लेस्टर ने बोला है, और सही कह रहा था भाई, वरना अपनी गाड़ी में आग लग जाएगी। मेरे को बस आगे की गाड़ियाँ ब्लास्ट करनी है, इसकी जो फौज है ना पूरी की पूरी वो यूं ही मरते जाएगी। भाई साहब पूरा रास्ता ब्लॉक करवा रखा है, ये कौन आगे भिड़ गया? ओ वेट, ये तो जलती हुई गाड़ी आगे भिड़ी है। लेट्स गो,
पता नहीं 50 से 60 गाड़ियां थी, सारी की सारी यहाँ पर मैंने ब्लास्ट कर दिया। बट अभी अंदर और भी गाड़ियां हैं, पता नहीं मैं इसे अंदर कैसे लेकर जाने वाला हूँ, बट हाँ सब कुछ एकदम अच्छे से ब्लास्ट कर देंगे, खतरनाक। लेट्स गो गाइस, टाइम आ चुका है यहाँ पर फटाफट से अंदर जाने का। भाई साहब कितने बंदे अंदर बिठा रखे, एक सेकंड रुकना जरा, कि ऐसी की तैसी पूरा का पूरा घर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बट नहीं नहीं नहीं, घर नहीं डिस्ट्रॉय करना, घर पे मैं एक शॉट भी फायर नहीं करने वाला हूँ, उसके अगल बगल फायर कर देंगे चलेगा, क्योंकि घर में ही तो डगन बॉस बैठा हुआ है और मुझको उसे जिंदा पकड़ के लाना है, ठीक है ना। लेट्स गो, अपनी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा गोलियाँ पड़ गई है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा सही हालत में मेरे को यहाँ पर दिख रही है। लेट्स गो, अभी कोई है क्या लेफ्ट में, मेरे को देखना पड़ेगा। ओ तेरी, अभी तो बहुत सारे बंदे बचे हुए यार, रुक जाओ, वो थोड़ा सोच समझ के इनसे लड़ना होगा। ये भी क्या, पीछे भी थोड़े बहुत बंदे बचे हैं, इसके ऊपर भी करा फायर। बाकी अब चलते हैं सीधा डगन बॉस के पास। एक सेकेंड रुक जा, इसके तो मैं मारूंगा उतर के, रुकियो इधर आ, पैंस की टांग, पौधे के पीछे छुपेगा तू, कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया है। लेट्स गो, अभी फिलहाल लेस्टर भी यहाँ से उतर कर आ चुका है, रुक जा लेस्टर। डगन अंदर ही है, पक्का भागने की कोशिश करेगा, तो हमें चारों तरफ के दरवाजे पहले पूरा देख के चलना होगा। लेट्स गो, ये मैं आ चुका हूँ उसके ऑफिस में। ऑफिस में तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है ये बात कि मैं सबसे पहले ऑफिस में ही आने वाला हूँ, बट क्या पता टेबल के नीचे वो छुपा हो। सब कुछ भाई आज इसका फोड़ डालेंगे भाई, बिल्कुल राजा बन के रह रहा था ना ये जो इतने दिनों से, आज सारी इसकी कसर हम लोग मिटाने इसके घर पर आ गए हैं। ओके, तो फटाफट से गेट खोल के उस साइड चलते। उतरी भाई, यहाँ पर तो इन्होंने बंदे भर के बैठा रखे हैं, रुक जाओ तेरी ऐसे की तैसे, तू वापस उठ गया, मुंह पे शॉट पड़ा था फिर भी उसके। ओ ओ वेट, यहाँ पर ये फ्लावर पॉट आ रहा है, इसकी वजह से मैं इसे मार नहीं पा रहा। ओ भाई रुक जाओ, उनके पास शॉट गन है पर मेरे पास उससे भी भयंकर चीज है, और वो है ये स्टिकी बॉम्ब, जो कि वहां पर फेंकना थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि तेरी ऐसे की तैसी ले मैं इसकी टांग। ओ नहीं, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बस आग ये बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे मेरे पास मत आओ, वेट, ओ तेरी, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं दूसरे गेट से अंदर आ रहा हूँ जब तक ये लोग अपना फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएंगे। ओ भाई साहब, ऊपर से कूद के आया मुझे मारने के लिए। भाई वेट वेट, लेट्स गो, फटाफट से वाला गेट ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा है, ये भी मैंने ब्लास्ट कर दिया, इसको चक्कर आ गया सिलेंडर ब्लास्ट से, जो कि हमें फ़ायदा दे गया। बाकी यहाँ पर भी एक रूम है, मुझे यहाँ से चलना होगा अंदर। एक बंदा इधर बैठा हुआ है एम करके, दो बंदे बैठे हुए, एक नहीं बाकी आग लगाई थी घर में। ओ तेरी, पीछे से कौन फायर करा, ओ लेस्टर ने मारा, नाइस नाइस। भाई ग्राउंड फ्लोर पे तो गदर वाली आग लग चुकी है, और जितने बंदे थे सारे के सारे मारे गए हैं, और ऊपर से बंदे कूद कूद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाओ तू बेटा, कूद के नीचे आएगा नहीं, तो को आने ही नहीं दूंगा मैं। बाकी वो भी नीचे आना चाह रहा था, सारे ग्राउंड फ्लोर वाले ऊपर चले गए और भाग के नीचे आना चाह रहे हैं। ओके, तो अभी हमने काफी सारे लोगों को मार दिया है, ये एक रास्ता है अंदर जाने का। इसने आग बुझा दी भाई, जो समझ नहीं आ रहा था इसने। ओ यहाँ पर एक बेसमेंट भी है, वेट, ओ भाई साहब यहाँ नीचे एक बेसमेंट है। वैसे नीचे जाने में मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, बट अभी करना क्या है, हमें नीचे जाना ही होगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है, अपनी गन पूरी रिलोड करके रखता हूँ। लेस्टर बाहर के बंदों को देख रहा है, मुझे यहाँ पर अंदर जाके डगन बॉस को ढूंढना ही होगा। फिलहाल यहाँ पर, ओ भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बेसमेंट बना रखे, 3-4 रूम है यहाँ पर। इधर एक कीपैड लॉक है शायद से, ये लॉक, ओ ये अनलॉक, ये कोई रूम नहीं, ये एक मूवी थिएटर बना रखा है इसने अपने घर की बेसमेंट में। भाई साहब ये अलग ही शौक में चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर तो मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला। इधर एक रूम है, ये वाले रूम का मैं गेट खोल के देखता हूँ यहाँ पर। ओ तेरी भाई, मैं कहूँ ये कौन सा कीड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है मकड़ी जैसा, बाद में पता चला वो उसकी उंगलियाँ थी। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर और कोई भी नजर, ओ तेरी भैंस की, गेट के पीछे छुपा हुआ था, वाव ठीक है इसको भी मैंने मार दिया है। गेट खोलते हैं, ये वाला रूम हो गया, ये वाला रूम हो गया, अभी सामने वाला रूम बचा है इस वाले रूम के। ओ तेरी भाई साहब, दो दो बंदे पौधे के पीछे बैठे हुए थे। लेट्स गो, दोनों को मैंने मार दिया है। यहाँ पर और कोई तो नहीं है ना, रुक जाओ टेस्ट कर लेते हैं, इधर भी कोई नहीं, ठीक है अभी बस एक ये लास्ट वाला रूम बचा है इस वाले रूम। ओ ये एक बड़ा रूम है, कोई छोटा रूम नहीं है। भाई ये सरेंडर क्यों कर रहा है, हेलो इतने, ओ तेरी भाई साहब, इसलिए सरेंडर कर रहा, तेरी बैंस की एक्टिंग करके दिखाएगा। तो गाइस अभी फिलहाल डगन बॉस हमारे हाथों लग चुका है, और अभी इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, दो लात ही पड़ी है। अभी मैंने इसकी कोई बुलेट वगैरह नहीं मारी, और देखो इसकी हालत क्या हो गई है,
एक्टिंग करके दिखा रहा है हमें। लेट्स गो, लेस्टर को भी नीचे बुला लेते हैं और अभी हमें ना इसे यहाँ से लेकर फटाफट से निकलना ही होगा, वरना इसकी और सिक्योरिटी आएगी तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अबे उठ बे, क्या सो गया मैं? ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल लेस्टर भी नीचे आ चुका है और लेस्टर कह रहा था बस वो अपनी गाड़ी ठिकाने लगाने गया था, क्योंकि अगर वो पुलिस वालों के या फिर किसी और के हाथ लग जाती ना तो अपना यहाँ से एस्केप करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिलहाल हम लोगों ने डगन बॉस को पकड़ लिया है और ये भी अपना चुपचाप से यहाँ पर आकर बैठ चुका है, क्योंकि इसको मालूम है भी ये कुछ नहीं कर सकता। वैसे इसको मारने का मन तो बहुत ज्यादा है, मतलब सर पे ही बजाने का मन है, बट उस बंदे ने बोला है कि उसे ये जिंदा चाहिए, वरना तो अभी तक मैं इसको मार देता। फिलहाल अभी लेस्टर पता नहीं किसी से कॉल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, डगन बॉस को ही लेकर। पता नहीं शायद से लेस्टर इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी या पैसा कब्जाने की ना सोच रहा हो। बाकी हाँ यार, जो भी है, आखिरकार डगन बॉस सबसे बड़ी तोप अब हमारे अंडर हो चुकी है। तो चलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.3 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।